स्पेशली उन बच्चों को जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है और जिनको पता ही नहीं इस चैप्टर में क्या होने वाला है उनके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि बहुत ज्यादा सस्पेंस है कि एग्जैक्टली एट द एंड क्या होगा बट जिन्हें ऑलरेडी पता है इस चैप्टर में एंड में क्या होने वाला है देन डेफिनेटली बोल सकते हो इंटरेस्ट थोड़ा कम आएगा बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी नो द मेन थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिस चैप्टर बट स्टिल यू नो यू शुड स्टे टून बिकॉज आपको बहुत मजा आने वाला है इस डायलॉग्स को यू you नो know, किस तरीके से इंटेलिजेंस पोर्ट्रे होगी इस की इज़ दिस पर्टिकुलर जिसका नाम है है इन द स्टोरी यू यू वुड लव दैट क्लियर तो तो पे जैसे कि टाइटल क्या इफ आई वर अब नंबर वन तो अगर आपको ये चीज़ सोचने में आ रही है कि आई के साथ टू नो देन डेफिनेटली द प्लेलिस्ट ऑफ ग्रामर एंड गेट योर आंसर द बट यहां पे अगर हम बात करते हैं इफ आई वर यू मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता अगर मैं तुम होता इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं इफ यू वर सम पर्टिकुलर एक्टर या फिर एक्ट्रेस और इफ यू वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आप क्या करते राइट तो ये जो चीजें होती है दिमाग में वो आती है और आपसे पूछा भी जाता है इफ यू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉट चेंजेस विल यू ब्रिंग इन दिस कंट्री राइट ऐसे ऐसे हमने बहुत बचपन में लिखे हैं तो वही चीज है, है, का मतलब है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो कि है ये, और दिस पर्सन तो है, है जिसे आप हिंदी में बोलते हो घुसपेटिया जो इनिगली आपके घर में आपकी शॉप में आपके कहीं पे भी रेसिडेंट है वहां पर एंटर हो जाए बिना आपको बताए बिना आपकी जानकारी के वो होते हैं इंट्रूडर तो ये एक इंट्रूडर है जो कि एंटर कर जाता है किसके घर में जिराड के घर में जो कि क्या है मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी कैसे you know, हाथ में गन है, जो sort of आया है इस का करने पर क्या होता क्या है एट द एंड क्या जिराड वर्ट जाते हैं या फिर यू नो हैपेंस एट वी रियली डोंट नो राइट नाउ आई नो इट बट आई वुड टेल यू दिस एट द स्टोरी तो एग्जैक्टली स्टोरी जो है वो रिवॉल्व कर रही है इन दोनों कैरेक्टर्स के अराउंड जहां पर ये पर्सन जो है इस पर्सन को किल कर कर मार कर इसकी आइडेंटिटी जो है वो लेना चाहता है और खुद बनना चाहता है जिराड क्लियर तो दिस पर्सन व्हाई ही वांट्स टू बिकम जिराड वॉट एग्जैक्टली इज द रीजन वॉट ही इज गोइंग टू टेल दिस पर्सन किस तरीके से इनके बीच में कॉन्वर्जेशन चलने वाला है वॉट वुड है एंड विल जिरा डू समथिंग जिसकी वजह से वो बच जाएंगे विल ही बी एबल टू सेव हिज लाइफ या फिर ही लूज हिज लाइफ बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बिकम हिम क्लियर तो ये पूरी स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है प्ले है तो बहुत सारे डायलॉग्स हैं इसमें एंड ऑल्सो आपको एट द एंड समझ आने वाला है कि अगर होशियार होना इंटेलिजेंस हो हमें हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं और अगर कोई ऐसा टाइम है जहाँ हम यू नो फंस जाते हैं कोई टफ टाइम है कोई ऐसा यू नो इंसिडेंट होता है हमारे साथ जहाँ हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है वी आर नॉट एबल टू थिंक द वे वी डू इन नॉर्मल कंडीशन बट देयर ऑल्सो इफ़ यू कीप पेशेंस और अगर आप ध्यान से पैनक ना करते हुए कुछ सोचो दिमाग लगाओ तो आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हो दिस इज समथिंग यू विल वेरी वेल गेट टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर सो नाउ आई कैंट वेट टू स्टार्ट दिस चैप्टर सो लेट्स जस्ट रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर दैट इज डगलस जेम्स एंड देन वील सी वन लाइन की क्या पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर Begin with before you read, and then start the very first dialogue or the scene of this play. Clear? All right. So, let's read something about the author, who is Douglas James, born on October 13, 1888, and died in December 11, 1946. He has written frequently for television, most notably as the creator of the Riordan's R.T.E.'s long-running serial in the 1970s. तो एक सीरियल जो है उसका सॉर्ट ऑफ क्रिएटर जो है जिसने लिखा है पूरा सीरियल वो है डगलस जेम्स सीरियल का नाम था द रिडन्स दैट इज़ आर टी ईज लॉन्ग रनिंग सीरियल और ये सबसे ज़्यादा चलने वाला सीरियल रहा है ये जो आप नाटक देखते हैं घर पे सीरियल्स देखते हैं वैसा ही एक ये सीरियल है नॉट साजबाहू टाइम्स बट समथिंग एल्स जो कि नाइनटीन में सबसे ज़्यादा रन करने वाला सीरियल था

एंड एक इंट्रूडर है इस चैप्टर में जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो कि है घुसपेटिया वो आ जाता है एंटर करता है इनके घर में and, you know, kind of exactly right. तो इससे पहले कि हम चैप्टर को बिगिन करें हम करने वाले हैं बिफोर यू रीड टू डिस्कस इसके बाद एक एक्सरसाइज भी है जहाँ आपको डिफरेंट वर्ड जो यूज हुए हैं इस चैप्टर में उसके मीनिंगस भी मिल जाएंगे एंड देन वील बिगिन विद द

He intends to murder Gerard and take on his

तो पहले तो वो बॉक्स देख लेते हैं कॉलम्स देख लेते हैं जो वर्ड आपको गिवन है अराउंड फोर्टीन वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जिनके मीनिंग्स क्या है बिल्कुल अप हैं एंड यू नीड टू काइंड ऑफ़ फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड प्लेस इट बिफोर दैट वर्ड तो पर डिफरेंट वर्ड्स हैं जैसे कल्चर्ड तो हम बोलते हैं ना पर्सन बहुत है है वेल मैनर्ड उसे कहते हो देन देर इज काउंट ऑन एंगेज मेलोड्रामेटिक मेलोड्रामेटिक तो पता ही है भाई सीरियल्स वगैरह अगर आप देखते हो तो कितना तो मेलोड्रामा होता है बहुत ज्यादा एग्जेजरेटेड चीजें होती हैं बिल्कुल रो रहे हैं चीजें गिर रही हैं तीन बार थालियां गिर रही हैं तीन बार क्या 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 हो रहा है दैट इज वट इज मेलोड्रामेटिक टू बी स्मार्ट इनफेक्शन वाइज गाय वाइज गाय समझ सकते हो इंटेलिजेंट पर्सन जो होता है उसको कहते हैं वाइज गाय तो ये कुछ वर्ड्स हैं सिमिलरली नेक्स्ट सेवन वर्ड्स हैं अ डैंडी बास ट्रेड्स पीपल यानी जो ट्रेड करता हो बिजनेसमैन हो ग्रेच्यूस डॉज लकी ब्रेक संडे स्कूल टीचर एंड फ्रेम तो ये कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जिनके मीनिंग्स भी आपको यहां पे गिवन हैं बिकॉज आर लॉट्स ऑफ अमेरिकन इंग्लिश वर्ड्स सो मे बी यू डोंट नो द मीनिंग बट नाउ यू विल गेट टू नो द मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज फोर्टीन वर्ड्स एंड फ्रेजेस क्लियर ऑल चलिए डिस्कस करते हैं डिफरेंट मीनिंग्स तो नंबर वन वर्ड है कल्चर इसका मतलब होता है सोफेस्टिकेटेड वेल मैनर्ड होते ना कुछ लोग जो बहुत फॉर्मल्स में होते हैं बिल्कुल परफेक्ट होते हैं हमेशा उन्हें हम कहते हैं कि बहुत सोफेस्टिकेटेड वेल मैनर्ड पर्सन है जिसको देख के ऐसा लगता है कि बहुत पढ़े लिखे हैं लिटरेट हैं बहुत पैसे वाले हैं उन्हें कहते हैं सोफेस्टिकेटेड या फिर कल्चर्ड काउंट ऑन मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करना बोलते हैं ना यू कैन काउंट ऑन मी अगर आपने सुना हो यानी यू कैन जस्ट आस्क मी और यू कैन डिपेंड ऑन मी यू रिलाई ऑन मी फॉर एनी प्रॉब्लम यू हैव और इफ यू वॉन्ट एनी थिंग और एनी सोल्यूशन तो काउंट ऑन का मतलब है डिपेंड ऑन और रिलाई ऑन नेक्स्ट है एंगेज एंगेज मतलब किसी में बिजी रहना सो ऑक्यूपाइड और बिजी नेक्स्ट इज मेलोटिक अभी बात की है बहुत अच्छी एग्जाम्पल दे दी मैंने आपको उसे कहते हैं एग्जैजरेटेड यानी कि किसी चीज को बहुत ज्यादा खींच के बताना बहुत ओवर कर देना उसे कहते हैं सॉर्ट ऑफ ओवर एक्टिंग कह सकते हो टू बी स्मार्ट का मतलब इन अमेरिकन इंग्लिश होता है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू नो अलॉट टू बी स्मार्ट स्मार्ट हो है नहीं स्मार्ट बनने की कोशिश करना तो ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करता है ऐसा दिखाता है कि उसको बहुत कुछ पता है उसे कहते हैं टू बी स्मार्ट इन्फेक्शन का मतलब होता है टोन ऑफ वॉइस यहां पर वर्ड जब यूज किया है है ना उसका मतलब है कि आवाज के थोड़ा बदलाव एक टोन ऑफ वॉइस ऐसा होता है ना जैसे अगर मैं आपको कुछ ये सॉर्ट ऑफ अगर मुझे अपने भाई भाई से कुछ चाहिए जैसे कि मेरा भाई बहुत बड़ा है या फिर जो भाई होते हैं उनको बहनों से कुछ हेल्प चाहिए होती है तो यू you नो know, एक सॉर्ट sort ऑफ of, उनकी टोन ऑफ वॉइस चेंज हो जाती है कि मुझे ऐसे सक चाहिए और जैसे ही उनका काम हो जाता है तो उनकी टोन अलग हो जाती है उसे कहते हो कि टोन ऑफ वॉइस में वेरिएशन डिपेंडिंग आपका जो मोटिव है वो क्या है उसे कहा गया है यहां पर इन्फेक्शन नेक्स्ट है तो का मतलब क्या होता है जो बहुत इंटेलिजेंट बनने की बड़ी कोशिश कर रहा है तो उसको हम अगर ऐसा बोलना चाहें कि यू नो यू आर बींग टू क्लेवर तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो या बनने की कोशिश कर रहे हो उसे कहेंगे ऑन गायन अमेरिकन इंग्लिश क्लियर ऑल नेक्स्ट वर्ड है डैंडी बस अब डैंडी बस का मतलब क्या है एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर अ फैशनेबल वेहीकल सुनकर तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या ही होगा बस की बुराई कर रहे हैं बट यहां पर डैंडी बस का मतलब है कि जो गाड़ी बहुत फैशनेबल हो यू नो स्टाइलिश हो उसे कहते हैं डांडी बस ट्रेड्स पीपल ऑब्वियसली जो बिजनेस पर्सन होते हैं जो मर्चेंट्स होते हैं उनकी बात हो रही है तो मर्चेंट्स इज समथिंग जो ट्रेड पीपल जो ट्रेडिंग का काम करते हैं फिर है ग्रेच्यूशियस इसका मतलब अननेसेसरी या अन यूजअली हार्मफुल यानी बेमतलब कोई चीज जब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हो उसको कहते हैं हार्मफुल या बहुत ज्यादातर जो है वो चीज अगर हार्मफुल हो उसे कहते हैं ग्रेच्यूशियस नेक्स्ट है डॉज डॉज ऑलरेडी एक नॉर्मल वर्ड है अगर कोई बोलता है आई ट्राई टू डॉज हिज कॉमेंट आई ट्राई टू डॉज हिज क्वेश्चन इसका मतलब आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो तो डॉज का मतलब होता है अवॉइड करना नेक्स्ट है लकी ब्रेक अब लकी ब्रेक का मतलब क्या है एन अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस यानी कि लकीली आपको एक ब्रेक मिल जाए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उसे कहते हैं क्या लकी ब्रेक फिर है संडे स्कूल टीचर तो टीचर की बात हो रही है पक्का कुछ पढ़ाने की बात हो रही है बट संडे स्कूल टीचर का मतलब होता है अ क्रिश्चियन रिलीजियस टीचर हु टीचेस ऑन संडेज इन चर्च चर्च तो में यू नो टीचिंग्स टीचिंग्स होती है, होती हैं हैं बहुत ही ब्यूटीफुल संडेज को तो वहां पर जो टीचर पढ़ाते हैं ना जो क्रिश्चियन रिलीजियस टीचर उनको कहा गया है संडे स्कूल टीचर सॉर्ट ऑफ ऐसा पर्सन जो बहुत ही अच्छा इंसान है उसकी बात होती है एज संडे स्कूल टीचर नेक्स्ट है फ्रेम यहां फ्रेम का मतलब है जाल एक जाल बिछाना एक ट्रैप फॉर्म करना तो यहां

जैसे अगर घर का सीन है तो यू कैन सी दी करटेन्स रूम टेबल्स चेयर्स अगर बिजनेस कहीं का ऑफिस का सीन होगा तो आपको बकायदा एक बिजनेस टेबल दिखेगी लैंप दिखेगी सूट कोट में लोग दिखेंगे फाइल्स पड़ी हुई दिखेंगी तो जब यू you नो know, कोई भी प्ले लिखा जाता है या कोई स्क्रिप्ट फॉर्म की जाती है उसमें एक सीन दे दिया जाता है बाय द प्ले राइट दैट इज इस तरीके का सीन आपको क्रिएट करना है एंड देन यू कैन बिगिन एक्टिंग क्लियर तो यहाँ सबसे पहले आपको सीन बताया जाएगा कि एग्जैक्टली exactly क्या कंडीशन है उस जगह की और फिर हम डायलॉग्स पढ़ेंगे ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स क्लियर ऑल राइट so let's discuss the very first thing that is the scene that is there present on the stage ab aapko yahi imagine karna hai ki yahan koi play chal raha hai aur hum jo hai theater mein gaye hain to watch this play clear so scene hai a small cottage interior एक छोटे से cottage के अंदर का एक you know scene है interior मतलब यहाँ पे अंदर क्या है उस cottage के घर का room का बोल सकते हो Scene है There is an entrance back right which may be curtained. अब यहां पे जो भी प्ले राइट है उन्होंने मेंशन कर दिया है कि एक एंट्रेंस जो है वो पीछे के साइड पे है बैक राइट right, और वो जो है सॉर्ट sort ऑफ of, आप कर्टेन लगा देंगे मे बी लिखा है यानी कि उस डोर को कोई यूज नहीं करेगा वहां पर एक पर्दा लगा हुआ है एक कर्टेन लगा हुआ है अनादर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर और एक और डोर है जो कि लेफ्ट साइड पे है और वो प्रैक्टिकल डोर है यानी उसको ज्यादातर यूज किया जाता है एग्जिट और एंट्री के लिए जो डोर यूज होता है इस रूम में उसे कहा गया है प्रैक्टिकल डोर द फर्नीचर इज सिंपल कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल टूवर्ड्स द लेफ्ट अ चेयर और टू एंड अ दीवान और द राइट नेक्स्ट आपको इस रूम में क्या क्या देखने को मिलने वाला है एक छोटी सी टेबल रखी हुई है जो लेफ्ट साइड पे है यहाँ पे या तो एक चेयर या दो चेयर आपको रखनी है जो भी प्ले है उन्होंने मेन्शन कर दिया है कि भाई जो भी ये सीन क्रिएट करेगा वो एक या दो चेयर्स का कर ले भैया इंतजाम और उसको वहां पे प्लेस कर दे नेक्स्ट एक दीवान है अब दीवान एक हिंदी वर्ड है यानी कि एक छोटा सा जो बोल सकते हो सिंगल बेड जो होता है उसको कहते हैं हम दीवान बहुत लोगों के घर में होता है और ज्यादातर हम उसको यू नो you know, लिविंग एरिया प्लेस करते हैं सो दैट कोई आए तो उस पर आराम से बैठ सके सो दीवान मीन्स अ सिंगल बेड राधा अप स्टेज ऑन द राइट ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन और स्टेज के थोड़ा सा ऊपरी साइड पे देखना चाहिए वो राइट साइड पे प्लेस करना है और एक टेबल है जिसपे क्या रखा हुआ है टेलीफोन तो टेबल के बारे में हमें पता है स्मॉल टेबल है उसपे एक टेलीफोन भी प्लेसड है

के जो कि है जिराड वो खड़े हुए हैं कहां पर टेबल की साइड में और वो टेलीफोन पे बात कर रहे हैं ही इज ऑफ मीडियम हाइट एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस ही इज ड्रेस्ड इन अ लाउंज सूट एंड ग्रेट कोट

जो होता, है, वो उन्होंने पहना हुआ है। यानी कुछ ऐसे horn के जो glasses होते हैं, ना वो उन्होंने पहने हुए हैं। हैं, sort of इस तरीके के जो दिखते हैं, ये specs आपको दिखेंगे किसको पहने हुए? को। तो एक कॉटेज का सीन है टेबल है टेलीफोन है गेट है ये सब चीजें बताई हैं ऑल्सो यहां पे उन्होंने क्या पहना हुआ है स्पेक्स पहने हुए जो रिम्ड ग्लासेज है एंड कल्चर यानी कि जिस तरीके से वो बात करते हैं बात से समझ आता है पर्सन जो है वो वेल well मैनर्ड है सोफेस्टिकेटेड अच्छे घर का इंसान है अच्छे घर का इंसान मतलब क्या होता है यहाँ पर जो आप हिंदी में बोलते हो लिटरल मीनिंग नहीं लेना है इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन जिसकी आवाज से लगता है कि वाह यार इसकी बात कुछ अलग है वैसी टाइप की वॉइस है इस कैरेक्टर की तो अभी तक हमें सीन पता है हमें ये पता है कि कर्टन ओपन हो चुके हैं और जिराड अभी क्या कर रहे हैं फोन कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं डन ऑल राइट अब हम बिगिन करते हैं विद द वेरी फर्स्ट डायलॉग जो कि जिराड़ बोलते हैं तो जिराड़ सेज वेल जिराट से गुड बाय अब ये जो है थोड़ी सोफेस्टिकेटेड वॉइस में बोलते हैं फोन पे ओ oh, वेल well, स्टार्टिंग में डॉट्स लगे इसका मतलब क्या है कि कोई फोन कॉल जब करते हो तो डायरेक्टली चालू नहीं हो जाओगे वेल well, हाँ ठीक है सारे डायलॉग्स नहीं बोलने आपको ऐसा प्रिटेंड करना होता है जैसे सच में वहां से कोई आपसे बात कर रहा है ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉल और वो जो है जो भी बात कर रहे हैं उनसे उनको वो रिप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा स्टॉप करके वो बोलते हैं वेल well, ठीक है टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली एक पर्सन के लिए वो बोल रहे हैं उसको बोल दो कि वो मुझे डायरेक्टली फोन लगा ले आई मस्ट नो फिर उन्होंने कुछ बोला होगा सामने वाले में तो उसको वो रिप्लाई करते हैं कि मुझे पता होना चाहिए फिर वो स्टॉप करते हैं और उधर साइड से जो दू, दूसरा साइड है वहां से कुछ और वो बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं पर रहूंगा थोड़े टाइम के लिए बट उस चीज पे तुम रिलाय मत करना डो नॉट काउंट ऑन दैट यानी कि डो नॉट यू नो थिंक हंड्रेड परसेंट मैं यहीं रहने वाला हूं मैं कहीं जा भी सकता हूं इन अबाउट टेन मिनट टाइम के अंदर अंदर वो कुछ बोलते हैं क्योंकि है। अब वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि दस मिनट के अंदर अंदर वो मुझे फोन लगाए यहाँ पे दस मिनट के अंदर अंदर मैं कहीं जा सकता हूँ, तो वो यहाँ पॉज लेके उनको रिप्लाई करते हैं राइट हो गुड बाय और फिर वो बोलते हैं ठीक है ऑल राइट एवरीथिंग स्कूल और फिर वो गुड बाय बोलकर फोन रख देते हैं He puts down the phone and goes to the divan on the left. अब वो क्या करने वाले हैं are no dialogues. Whatever he is doing, it's been mentioned in the parenthesis. Clear? तो वो बोलते हैं क्या करते हैं वो फोन को नीचे रखते हैं बिकॉज उनकी बात हो गई है अब वो जाएंगे बेड के इधर दीवान के इधर जो कि लेफ्ट साइड पर रखा है वेर देर इज अ ट्रेवलिंग बैग एंड स्टार्ट पैकिंग और वहां पर एक ट्रैवलिंग बैग है यानी कि सॉर्ट ऑफ ट्रॉली या फिर एक ऐसा बड़ा बैग जिसमें आप you know सामान रखते हो और वो दिख रहा है कि कहीं और बहुत दिनों के लिए जा रहे हो छोटा मोटा बैग नहीं है और वो उसको पैक करना स्टार्ट करते हैं

बहुत शांति से रिवॉल्वर इन हैंड और उसके हाथ में क्या है गन है एक रिवॉल्वर है जो कि हम देख भी चुके हैं इन द फ्रंट स्लाइड क्लियर तो उनके हाथ में रिवॉल्वर है एंड ही इज ड्रेस्ड इन ओवर कोट एंड अ सॉफ्ट हैट और जैसे जिराड कैसे हैं फॉर्मल क्लोथ्स में हैं एक ग्रेट कोट पहना हुआ है बट ये पर्सन दैट इज द इंट्रूडर वो क्या पहना हुआ है फ्लैशिली ड्रेस यानी उसने कलरफुल क्लोथ्स पहने हुए हैं और एक सॉफ्ट हैट भी पहनी है जो हम देख चुके हैं द पिक्चर नहीं पहनते जैसी हैट वैसी हैट इन्होंने पहनी हुई है He bumps accidentally against the the table and at the sound, turns quickly. और, वो जो है धीरे धीरे उस और उस टेबल की आवाज से जिराट को समझ आता है पीछे कोई है और जिराट एकदम से पीछे मुड़ते हैं तो ये सीन चल रहा है अभी स्टेज पे क्लियर ऑल राइट प्लीज प्लेजेंटली Why this is a surprise, uh, यानी कि वो जो है बड़े ही प्यार से, से डरे नहीं है यही उनकी क्वालिटी है वो बहुत ही पेशेंस है उनके अंदर बहुत ही काम इनकम पोस्ट पर्सनैलिटी है तो वो बड़े प्यार से पूछते हैं वाई दिस इज अरप्राइज क्यों आए हैं और ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइज है और वो जानते नहीं है इस पर्सन को तो वो बोलते हैं मिस्टर अर मतलब आपका नाम क्या है सी डज नॉट नो दिस्टर बोल के फिर सोच में पड़े जाते हैं क्या बोलूँ इसको तो so इंटरूडर जो है यानी कि जो घुसपेटिया है जो इनके घर में घुस गया है हैट और गन लेकर हैट पहना हुआ है गन पहना है उसके हाथ में देन उसने कलरफुल क्लोथ्स पहने हुए हैं तो वो बोलता है आई एम यू आर प्लीज टू सी मी आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग तो so, वो बोलते हैं कि मैं बड़ा ही शॉक्ड हूं सरप्राइज हूं बड़ा खुश हूं कि आपको बड़ी खुशी हुई है मुझे देखकर यहाँ पर बट मैं नहीं सोचता कि ये खुशी बहुत ज्यादा देर तक रहने वाली आई डोंट थिंक योर हैप्पीनेस विल स्टे फॉर सो लॉन्ग डोटी और अपने हाथ जो है वो ऊपर करो पॉज का मतलब क्या है यहां पर हैंड्स और इंट्रूडर का आपको मीनिंग चाहिए इट मीन अ पर्सन हु इंट्रूड्स स्पेशली इंटू अ बिल्डिंग विद क्रिमिनल इंटेंट यानी कि कुछ गलत इंटेंशन के साथ अगर कोई पर्सन इन एंटर कर जाता है कहीं पर उसे कहते हो क्लियर? तो ये इंट्रूडर बोलते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर कि तुम बिल्कुल सरप्राइज और तुम्हें बड़ा अच्छा लगा मैं तुम्हारे घर में एंटर हुआ हूं बट ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है और उसको बोलते हैं हैंड्स अप अपने हाथ ऊपर करो

तो जिराड बोलते हैं यानी कि यहां पर इंट्रूडर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, है मैं खुद सॉरी काम रहने की कोशिश कर रहा हूँ तो जिराड उनको समझाते हैं नॉन शायलेंट इज योर वर्ड आई थिंक यानी कि वो समझ समझा नहीं पा रहा था इंट्रूडर कि वो इस तरीके से क्यों एक्ट कर रहा है वो बोलना चाह रहा है कि मुझे जो है मैं बहुत शांत रहने की कोशिश कर रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर कुछ गलत करने आया बिकॉज मेरे हाथ में रिवॉल्वर है तो मैं वैसा एक्शन करूं तो यहाँ जिराट बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम ये बोलना चाह रहे हो कि यू आर नॉन शैलेंट अब नॉन शैलेंट क्या होता है नॉट शोइंग एनजाइटी इंटरेस्ट और एंथुसियाजम अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे ना तो कोई घबराहट फील हो रही है ना ही वो एक्साइटेड है ना ही इंटरेस्ट दिख रहा है यानी नॉर्मल रहना कि जो हो जाएगा देखेंगे उस पर्सनालिटी को कहते हैं नॉन शैलेंट क्लियर तो जिराट बोलते हैं कि नॉन शैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक यानी तुम ये बोलना चाह रहे हो दैट आई एम अ नॉन शैलेंट पर्सन आई डोंट बिलीव इन एक्साइटमेंट एंथुसियाजम और एनजाइटी Intruder replies, thanks a lot. You will soon stop being smart. I'll make you crawl. I want to know a few things. See. अब क्योंकि उसको समझ आता है इंट्रूडर को कि भाई मैं तो को डराने आया हूं बट जिरा जो है वो तो मुझे ज्ञान दे रहे हैं बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्या नया वर्ड है तो वो बोलते हैं थैंक यू बट मेरे हिसाब से तुम बहुत जल्दी जो है स्मार्ट बनने की जो कोशिश कर रहे हो ना यानी कि तुम इतना स्मार्टनेस दिखा रहे हो क्लेवरनेस दिखा रहे हो वो बहुत जल्दी तुम बंद कर दोगे एंड आई मेक यू क्रॉल मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे तुम क्रॉल करने क्रॉलिंग मोशन आपको पता ना बच्चे जैसे करते हैं अपने हाथ और पैरों पर क्रॉल करते हैं यहां पे क्रॉल का मतलब है कि मैं तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करने वाला हूं कि तुम

Like, like तो बट तो तो उसके पहले मैं जिस इमेजिन कीजिए क्योंकि ये जो है पैक कर रहे थे सामान को तो वो झुक कर पैक कर रहे होंगे और एकदम से इंट्रूडर आता है तो शॉर्ट ऑफ रिवॉल्वर रख हुआ है तो इतनी जो पोजीशन है उनकी ऑब्वियसली वो टर्न हो चुके थे बट वो sort of वो सॉर्ट ऑफ ऐसी पोजीशन में पे खड़े रहकर बहुत देर तक बात नहीं कर सकते तो वो बोलते हैं कि मैं हो कंफर्टेबल हो, तो सबसे पहले तो मुझे एक में आना है। तो वो उसको बोलते हैं कि मी सिट डिस्कस या जो भी पूछना है मैं तुम्हें

Talk, और फिर वो बोलते हैं कि अब हम बातचीत करेंगे किसके बारे में तुम्हारे बारे में यानी के बारे में जिरा रिप्लाइज एट लास्ट अ ऑडियंस लास्टेटिकल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोल बाय द जिप्सीज एंड वाई एट द एज ऑफ थर्टी टू आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एस एक्स कॉटेज हाउ तो यहाँ जिराहट बोलते हैं कि फाइनली मुझे एक ऑडियंस मिली है एक सिंपथेटिक ऑडियंस मिली है जिसको परवाह है भाई वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वो यहाँ पे बहुत कामली स्मार्टली प्ले कर रहे हैं अपने वर्ड्स के साथ वो बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ जिराहट बोलते हैं कैसे जब मैं छोटा था तो मुझे कुछ जिप्सीज ने यानी कुछ नो ने चुरा लिया था स्टील कर लिया था और कैसे मैं आज एट द एज दर्टी टू कितनी एज बता रहे हैं वो अपनी थर्टी टू ईयर्स मैं थर्टी टू ईयर्स की एज में भी यहां पर अकेला हूँ इस कॉटेज में Essex क्या है वो जगह का नाम है सिटी इन इंग्लैंड तो यहां पर वो बोलना चाह रहे हैं कि कैसे मैं यहां पर अकेले रह रहा हूं एक लोनली कॉटेज में जब मेरी एज थर्टी है यानी आई शुड हैव अ कंपेनियन इन माई लाइफ तो ऐसा क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ और जब वो कंटिन्यू कर ही रहे थे तो इंट्रूडर बोलते हैं कीप इट टू योर सेल्फ एंड जस्ट आज आंसर my questions. You live here alone? Well, do you? तो intruder जो है वो चिड़े आता है और वो बोलता है कि ये सब चीज़ें मुझे नहीं जाननी है तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ तुम अकेले क्यों हो मैं जो जो पूछ रहा हूँ बस मुझे उसके आंसर्स दो और वो पूछता है क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो Do you live alone? है clear? Let's see कि यहाँ पे जिराड उनको क्या रिप्लाई देता तो है तो जिराड कहते हैं आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन योर वॉइस इज

रिप्लाई दूर यहाँ पर बोलते मुझे लगता है तुम इतने जो तो स्मार्ट हो कि तुम जो हो हर्ट होना नहीं चाहते मार्क खाना नहीं चाहते और इसीलिए तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा क्लियर ऑल राइट लेट सीरा रिप्लाई क्या देते हैं

ऐसे कोई कर सकता है बट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं क्लियर तो वो बोलते हैं मेरे हिसाब से यू you नो know, जब उसने बोला ना इंट्रूडर ने I think you have a good sense कि आई थिंक यू हैव अ गुड सेंस कि दैट यू कैन गेट हर्ट अगर तुम तो आंसर नहीं दोगे तो, तो जिराड बोलते हैं मेरे हिसाब से गुड सेंस जो है वो उस चीज में दिखता है जहां पर हो इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन Than in the mere desire to do so, सिर्फ यू नो अगर आप में ताकत है आप में एबिलिटी है उस पेन को उस दर्द को अवॉइड करने की उसमें होता है गुड सेंस सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता कि हाँ हाँ ऐसा मैं सोच लेता हूँ कि मुझे लग जाएगी तो फिर मैं ऐसा करूंगा बल्कि अगर आप में एबिलिटी होती है दैट इज समिंग जहाँ पे गुड सेंस होगा यानी जिराड यहाँ ये बोलना चाहते हैं कि वन हैज अ गुड सेंस इन द एबिलिटी टू डू थिंग्स राधर देन जस्ट मियरली थिंकिंग अबाउट इट और जस्ट यू नो है डिजायर about it. वट डू यू थिंक मिस्टर और फिर वो उसका पूछते हुए सजेशन कि भाई तुम्हारा क्या कहना है और क्योंकि उस इंट्रूडर ने अभी तक अपना नाम बताया नहीं है तो वो ऐसी मिस्टर और फिर रुक जाते हैं कि मैं क्या बोलूँ भाई तुमको इंट्रूडर नेवर माइंड माई नेम आई लाइक योर जिराट वट आर योर क्रिश्चियन नेम्स अब यहां पर इंट्रूडर बोलते हैं मेरे नाम सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा नाम से अच्छा तो तुम्हारा नाम है मुझे तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा लगता है मिस्टर जिराट एंड व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स यानी कि एग्जैक्टली तुम्हारा नाम क्या रखा गया था जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है जब नामकरण होता है यू नो एक प्रॉपर नाम होता है फिर उसको तोड़ मड़ोड़ कर बहुत अजीब अजीब से नाम रख दिए जाते हैं घर पे जैसे आप पेट नेम्स कहते हो तो वैसे ही यहाँ पे जरार से वो पूछते हैं तुम्हारा एग्जैक्टली नाम क्या है

intruder say that's a lie you are not dealing with a fool i am as smart as you and smarter and i know you run a car better be careful wise guy एक तो भाई तुमको पता है वो कार चलाता है तो पूछ के रहो बट दूसरी बात जिराट जो है उनको क्या पता, कि उसको पता है कि नहीं पता 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 है नहीं नहीं ऑब्वियसली तभी पूछ रहा ये जब उसको नहीं पता होगा कि वो कार चलाते तो जैसे बोलते है, नहीं मैं कार नहीं चलाता हूं तो इंट्रूडर क्या बोलते हैं ये झूठ है और तुम किसी बेवकूफ के साथ बात नहीं कर रहे हो यू आर नॉट टॉकिंग टू अ फूल इनफैक्ट तुम जो हो किससे बात कर रहे हो एक स्मार्ट पर्सन से और मैं तुम्हारे जितना स्मार्ट हूं इनफैक्ट मैं तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट हूं एंड आई नो यू रन अ कार और मुझे पता है कि तुम कार चलाते हो तो बेटर भी बिल्कुल ना, तो ना तो तुम उसका वैसा ही जवाब मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में तो इस तरीके से उसको समझा देते हैं कि भाई आई ऑलरेडी नो अबाउट यूर लॉर्ड ऑफ थिंग सो बी केयरफुलट नेक्स्ट टाइम यू हैव टू जस्ट आंसर अ ट्रूथ थिंग नॉट अर ऑल राइट आर यू अमेरिकन और इज दट मीय इमिटेशन अब क्योंकि हमें पता है ना मीनिंग्स में पढ़ रहे थे कि वॉइस गाइक अमेरिकन इंग्लिश वर्ड है ठीक है तो वो जो है जिराड वो ये पूछते हैं क्या तुम अमेरिकन हो या फिर तुम सिर्फ स्मार्ट बनकर कॉपी कर रहे हो एक अमेरिकन एक्सेंट को इमिटेशन मतलब किसी की कॉपी करना इंट्रूडा बोलते हैं आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माय आंसर्स तो इंट्रूडर दिमाग खराब हो जाता है कि भाई मैं इसको डरा रहा हूँ और ये मुझसे क्वेश्चन कर रहा है तो इंट्रूडर जो है वो बोलते हैं कि एक बात ध्यान से सुन लो ये जो हाथ में मेरे गन है वो कोई खिलौना नहीं है और मैं तुम्हें बिना मारे भी इस तरीके से हर्ट कर सकता हूँ चोट पहुंचा सकता हूँ और फिर मुझे अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिल ही जाएंगे तो बेटर अगर हर्ट होना नहीं चाहते हो नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें मारू तो मुझे सीधे सीधे आंसर्स देते जाओ जो भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इंट्रोड सॉरी एंड तुम इस तरीके से मुझे बोल रहे हो तो मैं बहुत खुशी खुशी तुम्हें अपने क्वेश्चन के आंसर दूंगा एंड ये आंसर वो देते हैं कार का आंसर ये yes, मेरे पास एक कार है वो गराज में रखी हुई है राउंड दर यानी पास में ही है गराज और वहीं पर मेरी कार रखी हुई है

वेरी हार्डली कम्स वेरी रेयरली कम्स एट माई हाउस कुछ लोग हैं जो कि इतना ट्रबल लेते हैं दे टेक यू नो दैट पेन टू विजिट मी और उनमें से कुछ लोग हैं जिनके बारे में बताते हैं जैसे कि एक बेकर है जो बेकरी का सामान देने आता है एक ग्रीन ग्रोसर है सब्जी वाला है एंड ऑल्सो एक मिल्क मैन है जो इनको मिल्क यानी दूध देने आता है जो की थोड़ा चार्मिंग है बट इतना चार्मिंग नहीं है जितने की आप हो वो इंट्रोड्यूडर को ये बोलता है सो ही रिप्लाईज देर आर ओनली फ्यू पीपल हु

जिराट सेव टेकल अमाउंट ऑफ ट्रेवल सिंस यू नो सो मच अबाउट मी वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ यू हैव बीन सो मॉडर्स तो यहां वे जिराट बोलते हैं ऐसा लगता है कि तुमने बहुत यू you नो know, परेशानी उठाई है बहुत ज़्यादा ट्रबल है तुम्हें अपने आप को कॉज किया है मेरे बारे में जानने के लिए और तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है तो फिर तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा मॉडस्ट यानी तुम बड़े नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करो तुमने अभी तक तो कुछ अपने बारे में नहीं बताया है तो प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताओ तो जिराट इज़ लाइक वेन ही गेट्स टू हियर दैट ना कि इंट्रोडो बोलते हैं आई नो अबाउट यू दैट यू आर नॉट मीटिंग मेनी मर्चेंट्स तो जिराट बोलते हैं कि सिंस आई थिंक यू हैव टेकन लॉड ऑफ ट्रबल बिकॉज देखो प्रीवियस वाले रिप्लाई में उन्होंने बोला था ना देर आर ओनली फ्यू पीपल हु टेक ट्रैवल और पेन टू विजिट मी सो ही इज़ लाइक यू हैव टेकन अ लॉड ऑफ ट्रैवल टू you know gather information about me and as you already know a lot of things about me so why don't you tell about yourself something

एक्सपेक्ट क्या कर रहा होगा वो कि भाई गन लेके जाऊंगा तो थोड़ा तो डरेगा ये पर्सन बट ये तो ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि बहुत ही प्यारा सा कॉन्वर्सन चल रहा है इनके बीच में तो so यहाँ इंट्रूडर बोलते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल बताऊंगा कि मैं तुम्हारे घर में आया हूं, क्यों आया हूँ क्यों एंटर हुआ हूँ और वो एक सरप्राइज होगा बट डेफिनेटली वो सरप्राइज तुम्हारे लिए प्लेजेंट सरप्राइज या बहुत खुशी की बात नहीं होगी सो इंट्रूडर इज लाइक आई एम गोइंग टू टेल यू वाई एंटर्ड योर हाउस और योर कॉटेज बट दैट वुड बी अ सरप्राइज फॉर यू एंड नॉट अ प्लेजेंट सरप्राइज दैट आई विल मेक श्योर

फिर वो उससे पूछते हैं क्या मुझे बता सकते हो कि तुम किस पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम को पसंद करते हो यानी कि तुम क्रिमिनल हो तो उसमें भी भैया डिफरेंट डिफरेंट फील्ड होती है तुम्हारी भी कोई पसंद होगी तो तुम्हें किस टाइप का क्राइम जो है करना पसंद आता है और आर एंड यू आर स्पेशलिस्ट या फिर तुम बड़े स्पेशलिस्ट हो तुम अपने क्राइम करने में बेस्ट हो सो जिराड इज लाइक हिस्स ट्राइंग टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चन टू दिस पर्सन सो दैट इसके बारे में कुछ पता चल सके तो ये बोलते हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड कि वेन यू आर देयर इन दिस थिंग सो दिस सरप्राइज विल नॉट बी प्लेजिंग फॉर मी But can you just tell me are you a specialist in your you know, field that is in the crime or uh, you have certain field jisko aap bahut zyada pasand karte ho? replied, my speciality is jewel robbery. Your car will do me a treat. It's certainly a dandy bus. तो यहां पर बोलते हैं मेरी स्पेशलिटी क्या है मैं जो हूँ ज्वेलरी रॉबरी करता हूँ यानी कि मैं जो ये ज्वेलरी होती है जो प्रेशियस जूल्स होते हैं उन्हें चुराता हूँ एंड तुम्हारी जो कार है वो मेरे लिए ट्रीट होगी इट विल डू मी अ ट्रीट यानी इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग फॉर मी बिकॉज वो क्या है एक डैंडी बस है एक स्टाइलिश एक फैशनेबल कार है एक व्हीकल है जो कि बड़ी फैशनेबल है तो इंट्रूडर बोलते हैं कि आई एम अ वेरी यू नो बोल सकते हैं वेल वर्स्ड एक रॉबर है जो कि क्या है ज्वेलरी रॉबर एंड योर कार दैट इज जिराड कार विल बी अ वेरी ग्रेट हेल्प फॉर हिम एंड ही सेज दैट दिस कार इज अ फैशनेबल व्हीकल अकॉर्डिंग टू हिम क्लियर ऑल राइट Gerard replies I am afraid jewels are few and far between in the wilds एस अब यहाँ पे जहाँ रहते हैं ना तो वो बोलते हैं मुझे लगता है कि यहाँ पे तो इतनी ज्वेलरी मिलती ही नहीं है यानी तुम गलत जगह आ गए हो चोरी करने के लिए तुम्हें यहाँ पे ज्वेलरी नहीं मिलेगी यानी अपने घर में नहीं इस पूरी जगह में बोलते हैं कि जितने यहाँ पे ज्वेलरी कम है इंट्रूडर बोलता है उतने ही यहाँ पे पुलिस मैन भी कम है कॉप्स भी कम है तो मैं यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से चिल्ड लाइफ बिता सकता हूँ चोरी करने के बाद अन आई कैन रिटायर है अच्छा तो ठीक है तो तुम मेरे साथ रहने आए हो पर ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है क्योंकि मैंने तो तुम्हें इनवाइट किया ही नहीं तो मैंने तो तुम्हें, तुम्हें कभी नहीं बोला कि तुम मेरे साथ आके रहो तो जिराट इज लाइक वो ये सोचते हैं कि जब ये बोलता है इंट्रूडर की मैं यहीं पर रहूंगा या फिर मेरा जो यहाँ रिटायर करके यहाँ ऑफ यू नो मैं अपनी लाइफ को चिल करके जीना चाहता हूँ इस जगह पे तो जिराट बोलते हैं अच्छा ठीक है तो तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ये तो थोड़ा शॉक

Says, What do you mean? तो बोलते, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं हाँ पे तक नहीं रुकूंगा इंट्रूडो से तो यहाँ पे ये बोलते कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है मैं तुम्हें यहां पर मारने आया हूं आई एम गोइंग टू किल यू थोड़ा नर्वस हो जाना चाहिए एंशियस हो जाना चाहिए वो मरने वाला है बट यहाँ पे भी वो अपनी कामनेस अपनी पेशेंस को मेनटेन करके रख रहे हैं एंड ही इज लाइक की ये थोड़ा हार्श हो गया ये थोड़ा रूड हो गया जो तुम बोल रहे हो तुम मुझे मारने वाले हो क्लियर ऑल राइट थ हेवी सरकैम यानी कि थोड़ा ऐसा होता है ना टोन में कि कुछ बोलना कुछ और चाहते हैं या टोंट करना चाहते हैं वैसी टोन ऑफ वॉइस में इंट्रूडर बोलते हैं या फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन तो यहां पर बोलते हैं कि हाँ मुझे बुरा लगेगा यू you नो know, कि मैं इस तरीके से तुम्हें मार डालूंगा मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ ये गलत है बट क्या करूं अब ऐसे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है तो जिराट कहते हैं वाई एड मर्डर टू यूर अर दर क्राइम्स इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग यहाँ पे जिराट बोलते हैं कि तुमने इतने क्राइम्स किए हैं ऑलरेडी तो तुम मर्डर को क्यों एड करना चाहते हो अपने बायोडेटा में कि हाँ भाई मैंने ये भी क्राइम किया है क्योंकि ये क्या है ग्रेव स्टेप है यानी कि ये सबसे गलत चीज है अगर तुम किसी को मार डालते हो तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा बहुत बड़ा सिन हो जाएगा कमिट करना अगर तुम मुझे मार डालोगे एंड वाई यू वॉन्ट टू एड दिस मर्डर इन योर क्रिमिनल लिस्ट क्राइम लिस्ट सॉरी

ये बोलना चाह रहे हैं इसको जिराद को कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहली बार मर्डर करूंगा तो क्यों कर रहा हूं बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा बल्कि ये चीज़ तो को already, मैं कर चुका हूं मर्डर हूं किसी का तो मर्डर भी करूं या थर्ड मर्डर भी करूं तो उससे मेरी फांसी की सजा क्या हो जाएगी ऐसा तो होगा नहीं कि मुझे दो या तीन बार हैंग करेंगे तो यहां ट बोलते हैं कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि इलॉजिकल है जिसका कोई मतलब नहीं है और तुम भले ये जो लॉजिक दे रहे हो ना कि मैं दो मर्डर भी करूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फांसी तो मुझे एक ही बार होनी है तो ये चीज जो है वो गलत है एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज वो बोलते हैं कि मैं ये मानता हूं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए बट ये करके तुम्हें मिलेगा क्या यानी जिराट जो है वो जानना चाहते हैं एग्जैक्टली इंट्रूडर का मोटिव क्या है वो क्यों मारने आए हैं किसको जिराट को क्योंकि जिराट की जिस तरीके से बातें

कि वॉट ही गेन या फिर एग्जैक्टली exactly उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि वॉट वुड बी द प्रॉफिट दैट ही वो बोलते हैं आई हैव फ्रीडम टू गेन यानी मैं अगर तुम्हें मार देता हूं तो मुझे क्या मिलेगी मुझे फ्रीडम मिलेगी आजादी मिलेगी कैसे एज फॉर माई सेल्फ आई एम पुअर हंटेड रैट तो हमें पता है कि इंट्रूडर जो है वो पुलिस से भाग रहे हैं क्यों एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं क्यों इल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज़ ही किल्ड अ कॉप उसने उन्होंने क्या किया है एक पुलिस मैन को किल कर दिया है मैन और इसलिए पुलिस जो है वो इनको ढूंढ रही है ही इज वांटेड तो वो क्या चाहते हैं वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे फ्रीडम मिलेगी बिकॉज वो एक पुअर हंटेड रैट है यानी कि उन्होंने क्योंकि क्राइम कमिट किया है तो पुलिस जो है वो उनके पीछे भाग रही है या फिर उनको ढूंढ रही है तो ये एक रैट की की तरह छुपने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं टू एस्केप फ्रॉम द पुलिस तो वो अपने आप को बोलते हैं कि आई एम अ हंटेड रैट और इस तरीके से वो फ्री नहीं है राइट वो छुप रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं कि बिकॉज अगर वो विंसेंट चार्ल्स जिराड की आइडेंटिटी चुरा लेंगे वो खुद एक विंसेंट चार्ल जिनार्ड नाम के इंसान की तरह रहने लगेंगे तो उनको क्या मिलेगा फ्रीडम मिलेगा ही इज फ्री टू गो प्लेज एंड डू नथिंग वो कहीं पे भी जा सकते हैं अपनी मर्जी से और उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है ही इज लाइक फ्री बर्ड जो उनकी इच्छा होगी वो करेंगे आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट है साइट ऑफ अ कॉप और वो बोलते हैं कि मैं आराम से अपनी मर्जी से कुछ भी खा सकता हूँ आई केन स्लीप फॉर उन्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उनको कोई कॉप या कोई पुलिस दिख जाता है या फिर उनको छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो की उन्हें अभी करना पड़ता है बट जैसे ही वो विंसेंट चार्ल्स जिरा के नाम से रहने लगेंगे उनकी आइडेंटिटी जो है वो ले लेंगे तो फिर क्या होगा वो फिर विंसेंट चार्ल्स के नाम से जाने जाएंगे और लोगों को ये थोड़ा लगेगा कि ये वही पर्सन है जिसने एक कॉप का मर्डर किया है क्लियर फिर बोलते हैं इन मोस्ट मेलो ड्रामाजन इज फूल इनाफ टू delay his किलिंग लॉन्ग इनाफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड यू आर मच लकी तो यहाँ पे जिराड बोलते हैं कि बहुत से मेलो ड्रामाज में यानी कि बहुत से ऐसे यू नो प्लेज होते हैं जहां पर मेलो ड्रामा मतलब जहां पे कुछ भी हो रहा है जैसे अगर आप सास बहू के सीरियल्स देखो उन्हें मेलो ड्रामा कहते हैं पता ही नहीं चलता कब क्या हो रहा है कभी थाली गिर रही है कभी तीन बार नहीं, नहीं कर रहे हैं तो इस टाइप की चीजें होती है मेलो ड्रामा यानी कि कभी भी बहुत से इमोशंस का यूज होता है ना जहाँ पे तो क्योंकि हमें पता है कि जिराट क्या है एक प्ले राइट है वो प्लेज लिखते हैं तो वो इसी तरीके के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बहुत से मेलो ड्रामास में जो विलन होते हैं जो कि नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं वो foolish enough होते हैं वो वो फूलिश इनफ होते बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं टू हिज किलिंग लॉन्ग इनफ यानी कि उनको पता है कि उन्हें मरना है कभी ना कभी बट वो इसी तरीके से क्या करते हैं अपने आप को बचाते रहते हैं और अपनी बोल सकते हैं जो फाइनल एंड है उसको डिले करते हैं और वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बाद में कि वो कुछ ना कुछ गलत करते हैं एंड यू आर मच लकीर तो वो उनको समझाते हैं कि तुम बड़े लकी हो तुम बाकी की विलेंस की तरह नहीं हो यू आर मच लकीर ऐसा वो क्यों कहते हैं जो भी रिप्लाई देते हैं इस बात परिराट का मतलब क्या था इससे तो बहुत से मेलो ड्रामाज में क्या होता है कि जो भी विलन होते हैं या जो भी पर्सन होता है जिसने क्राइम कमिट किया होता है दैट पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल डीले इज हिस्स किलिंग ठीक है और फिर एट दी एंड वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनसे कोई गलती हो जाती है जैसे कि आप मूवीज में देखते हो सबूत छोड़ दिया एंड ऑल तो उस वजह से क्या होता है फाइनली ये जो पर्सन है जो भी विलन या नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है

आई हैव गॉट टू नो वॉट ही टॉक्स लाइक नाउ आई नो दैट पॉश स्टाफ कम्स ईजी तो यहाँ पे इंट्रूडर जो है वो बोलते हैं कि नहीं आई एम ओके मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग वॉट एवर आई एम डूइंग आई हैव अ राइट पर्टिकुलर रीजन और मैं जो भी स्टेप लूंगा मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी प्लान एवरीथिंग आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जिराड और वो बोलते हैं कि मैं अब विंसेंट चार्ल्स जिराड बनकर ही रहने वाला हूँ फिर वो एक्सप्लेन करते हैं किसको जिराड को देखो आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही डॉग्स लाइक मुझे पता है कि वो किस तरीके से बात करता है क्योंकि देखो बिगनिंग में हमने क्या देखा है कि ये जो है जिराड वो फोन पे डिस्कशन कर रहे थे कुछ और फिर उसके बाद इंट्रूडर की एंट्री होती है सो so, इंट्रूडर you know, so फिर उसका वे क्या है बातचीत करने का सो वन ऑफ द थिंग्स जो कि उनको आना चाहिए बिकॉज इफ यू टू बिकम विंसेंट ही शुड बी एबल टू टॉक लाइक हिम राइट नाउ आई नो दैट पॉश स्टाफ कम्स ईजी पॉश का मतलब क्या होता है रिच शोई लग्जूरियस बोलते नहीं ये बहुत पॉश एरिया है यहाँ पे बड़े पॉश हाउसेज हैं इसका मतलब होता है कि कुछ जो बहुत ही यू नो एलिगेंट सा हो बिल्कुल सोफेस्टिकेटेड जैसे कि जिराड हैं तो वो बोलते हैं ये जो पॉश स्टफ है यानी कि ये जो तरीका है लग्जूरियस वे है बातचीत करने का लाइक विंसन डाज तो वो मुझे बहुत अच्छे से अब आ गया है This is Mr. V.C. Girard speaking. Pantomime of phoning in imitation cultured voice. तो so, यहाँ पर क्या होता है? वो कोशिश करते हैं कॉपी करने की किसको Girard को और वो उसी तरीके से बात करते हैं. This is Mr. V.C. Girard speaking. यानी कि वो sophisticated, well mannered manner. और ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि देखो यहाँ पर brackets में क्या मेंशन है कि exactly हो क्या रहा है? वो क्यों बोल रहे हैं इसे? Because he pantomimes. Pantomime मतलब कॉपी करना, imitate करना और phoning in imitation cultured

और फिर जिराट भी खड़े हो जाते हैं वो जिराट को बोलते हैं कि अब मुझे देखो क्यों क्योंकि मे भी वो ये बोलना चाह रहे है कि देखो ऑलरेडी देखो हम जब इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे ना सो वी हैड दिस थिंग मेंशन इन द ब्रैकेट कि एक पर्सन आता है जो कि है इंट्रूडर हैड पहना हुआ है गन है हाथ में और ऑलमोस्ट सेम पर्सनैलिटी का है किसके जैसे जिराट के जैसे तो वही वो उनको बोलना चाह रहा है की गेट और मेरी तरफ देखो क्लियर ऑल यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव तो जिराद को जब वो बोलते हैं ना मेरी तरफ देखो यानी कि देखो मैं तुम्हारी तरह ही दिखता हूँ और मैं तुम्हारी तरह बात कर सकता हूँ वो पूरी एक्टिंग करके दिखाता है अब बिकॉज जिराड एक प्ले राइट है तो ही वेरी वेल नोज कि वॉट इज रियल एक्टिंग या किस तरीके से नेचुरल एक्ट करते हैं तो वो हर वक्त अपने जो भी रिप्लाईज दे रहे हैं वो इसी तरीके से दे रहे हैं मेलो ड्रामा है ओवर एक्टिंग है राइट right? तो वो क्या बोलते हैं यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव यानी कि तुम इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हो इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे हो जैसे कि मैं रियल में हूँ इंट्रोडस No. नो वेल दैट गोस यू टू आई हैव ओनली got टू wear specs, एंड I'll बी enough लाइक यू टू गेट अवे विद इट तो वो बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे सिर्फ क्या करना है तुम्हारे जैसे चश्मे पहनने हैं बिकॉज हमें पता है ना वो जो उस हॉर्न शेप के जो है स्पेक्स पहनते हैं कौन जिराड तो ये भी इसी तरीके से बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे बस तुम्हारे जैसे स्पेक्स पहनने की जरूरत है और फिर मैं तुम्हारे जैसा ही दिखूंगा एंड देन आई कैन इजिली गेट अवे फ्रॉम दीज थिंग्स और फ्रॉम द कॉप्स व्हाट अबाउट योर क्लोथ यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल तो यहाँ पर जिराट बोलते हैं तुम्हारे कपड़ों का क्या अब देखो हमें पता है कि ये तो भैया जिराट जो है बहुत ही प्रॉपरली सूट पहनते हैं लाउंग सूट पहनते हैं कोट पहना हुआ है यानी कि बहुत सोफेस्टिकेटेड रिच टाइप के क्लोथ्स पहने तो ये चीज़ वो इंट्रूडर को बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे कपड़ों का क्या क्योंकि अगर तुम्हारे कपड़े तुमने चेंज नहीं किए तो वो उसकी वजह से यू विल लेट डाउन यानी यू विल फील लेट डाउन मीनस कि तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो जाएगा बिकॉज इतनी मेहनत कर रहे हो मेरी तरह दिखने की और मेरे जैसे कपड़े ही नहीं पहनोगे तो तुम लगोगे नहीं कैसे विंसेंट चार्ल्स जिराट के जैसे तो वो बोलते हैं इफ यू आर नॉट केयरफुल इनफ टू यू नो चेंज द क्लोथ और टू वेयर समथिंग लाइक मी देन डेफिनेटली यू विल नॉट बी नोन एज विंसेंट चार्ल्स जिराट और सम्बड़ी इज गोइंग टू यू नो मेक आउट कि तुम जो हो कोई और हो

जिराड से इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क आई सेर यू वर लकियर देन मोस्ट मेलो ड्रोमैटिक विलंस इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन तो जिराड ने जब हमने बिगिनिंग में पढ़ा था ना तो वेरी फर्स्ट डायलॉग जो हमने जिराड का पढ़ा है वो बोलते हैं कि बहुत से मेलो में ऐसे ही होता है कि जो विलन है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने आप को बजाते बजाते एट दी एंड उन्होंने बोला बट यू आर मच लकी ऐसा क्यों बोला उन्होंने तो वही चीज रिमाइंड कर रहे हैं कौन जिराड इनको वो बोलते हैं ये ठीक है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग साउंड कर रही हैं बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माय रिमार्क बट मैंने जो रिमार्क दिया फीडबैक दिया था तुमको उसमें तुमने मेरा एक पॉइंट जो है वो नजरअंदाज किया यू इट आई यू वर यूर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलियंस

रीजन है जिसकी वजह से तुम जो अपना आइडिया लेकर आए हो कि यू वुड किल मी एंड टेक माई आइडेंटिटी वो जो है तुम आइडिया ड्रॉप कर दोगे एंड यू वुड नॉट किल मी इंट्रोडो सेज सो दैट्स वॉट यू थिंक तो इंट्रोडो को लगता है अच्छा तो तुम्हारा ये मानना है तुम ये कहना चाहते हो कि ऐसा कुछ होगा कि मैं जो हूँ अपना आइडिया ड्रॉप कर दूंगा और तुम्हें नहीं मारूंगा Gerard says, यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू didn't shoot sooner. तो यहाँ पे जिराड इस तरीके का एक यू you नो know, माहौल क्रिएट कर रहे हैं इस तरीके का थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं किसके दिमाग में टूडा के दिमाग में कि वो इतना क्यूरियस हो कि वो जानना चाहे कि क्या बोलना चाह रहे हैं जराड तो जराड क्या बोलते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ है या तुम कुछ ऐसा जानना चाहोगे अभी जो कि अगर तुम यू नो सुन लेते हो तो तुम फिर बाद में क्या करोगे भगवान को थैंक यू बोलोगे कि तुमने मुझे बिगिनिंग में ही आके शूट नहीं किया इसका मतलब इफ यू शूट मी इफ यू किल मी देन डेफिनेटली समथिंग विल हैपन आफ्टर वर्ड दैट गोइंग टू मेक यू रिग्रेट योर डिसीजन सो बेटर तो तुम सुन लो कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं बिकॉज आफ्टर दैट यू वुड थैंक गॉड दैट यू हैव नॉट शूट मी

फिर तुम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो कि तुम इससे पुलिस से बच जाओगे क्या तुम्हारा ये प्लान है तो इंट्रूडर बोलते हैं यस आई लाइक द आइडिया तो इंट्रूडर जो बोलते है बोलते हैं हाँ मुझे आइडिया बड़ा पसंद आया बट ये क्या है यूनिक आइडिया है सॉर्ट ऑफ वो बोल रहे हैं बहुत बढ़िया आइडिया है जो तुमने बताया है जिराट कहते हैं बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू नाउ जिराट इज लाइक कि तुम्हें क्या हंड्रेड परसेंट श्योरिटी है कि इस आइडिया से जो तुमने प्लानिंग की है उससे तुम्हें कुछ मदद मिलने वाली है या फिर जो तुम्हारा मोटिव है वो फुलफिल होगा intruder says now listen here I have got this all planned I did a job in town things went wrong and I killed a cop since then I have done nothing but dodge तो देखो यहाँ beginning में हमको नहीं पता था इतना but I have already told you guys कि intruder ने किसी एक cop को already murder किया है और वो नहीं से बच रहा है ठीक है तो वो intruder जो है finally अब बताते हैं जिराड को कि एग्जैक्टली exactly क्या हुआ है क्यों वो बचने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस से क्लियर तो वो बोलते हैं आप ध्यान से सुनो मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है मैंने सब कुछ सोच समझ के डिसीजन लिए हैं कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ मैं जो हूँ एक जॉब करता था एक टाउन में आई यूज टू वर्क इन अ टाउन एंड थिंग्स वेंट रॉन्ग और कुछ गड़बड़ हो गई कुछ चीज़ें गलत हो गई जिसकी वजह से मैंने कॉप को मार डाला आई किल्ड अ पुलिस मैन सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज और तब से मैं कुछ नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं डॉज कर रहा हूं यानी कि आई एम अवॉइडिंग एवरीबडी स्पेसिफिकली पुलिस डॉज का मतलब क्या होता है अवॉइड करना यह बहुत अच्छा वर्ड है आपको डेली लाइफ में भी आप यूज कर सकते हो लाइक like अगर मैं बोलूँ आई एम डॉजिंग क्वेश्चन इसका मतलब मैं आपके क्वेश्चन को अवॉइड कर रही हूं ठीक है करती नहीं हूं बट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ तो यही चीज है जो आपको यहाँ पे वर्ड का मीनिंग ध्यान में रखना है दैट इज डॉच का मतलब किसी चीज को अवॉइड करना यहाँ पे अवॉइड किसको करने की बात कर रहे हैं ट्रूडा पुलिस मैन को तो वो बोलते हैं कि चीजें कुछ ऐसी हो गई थी हालात ऐसे कुछ हो गए थे जब मैं जाओ यू नो जॉब करता था टाउन में कि मुझे एक पुलिस मैन को मारना पड़ा और उनसे बचने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूं सबको अवॉइड कर रहा हूं पुलिस मैन को अवॉइड कर रहा हूं और एस्केप करने की कोशिश कर रहा हूं क्लियर ऑल राइट से जो भाग रहे हो सबको अवॉइड कर रहे हो और इससे तुम अब यहाँ पहुंचे हो यानी कि इतनी तुमने जो यू नो एफर्ट्स डाले हैं इतना तुम ट्रबल सहन कर रहे हो पुलिस से बचने का और फाइनली तुम कहाँ आयो यहाँ पे तो इंट्रूडो बोलते हैं इट डॉट मी टू आयल्स बरी That's where I I saw saw you 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 in the car. Two other people saw you and started to talk. listen. It looks like you are a bit quiet kind of mystery man. intruder तो बोलते हैं कि इस तरीके से बचते बचते मैं कहाँ पहुँचा हूँ ये भी इंग्लैंड में ही एक place है और वहाँ पे मैंने तुमको देखा you means यहाँ पे Gerard को कि वहाँ मैंने Gerard, यानी तुमको देखा कहाँ एक car में और 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 दो कोई लोग थे जिन्होंने तुम्हें देखा और तुमसे बातचीत करने लगे। I listened और मैंने ध्यान से सुनी तुम्हारी बातें। का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें जब देखा यू you नो know, वो दो लोगों से बात करते हुए तो ऐसा लगता है तुम्हारी बातचीत सुनकर कि तुम जो हो एक बहुत स्ट्रेंज अनयूजल टाइप के मिस्ट्री मैन हो यानी कि तुम्हारे बारे में एक्जैक्टली exactly कुछ बोल नहीं सकते कुछ तो ऐसा यू नो सस्पेंस है कुछ ऐसा अनयूजअल है जो तुम्हारे बारे में मुझे लगता है जिराट से मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन एंड जिराट यू नो अगेन रेजेज द बार ऑफ क्यूरियोसिटी इन इंट्रूडा वो बार बार इंट्रूडर को ऐसी चीजें बोल रहे हैं जिससे वो और क्यूरियस होता जाए और वो उसको बोलते हैं कि हाँ वही मिस्ट्री जो मैं बताना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू बट इंट्रूडर अपनी बातों में लगे हुए हैं तो वो क्या करते हैं दिस रिगार्डिंग हिम यानी कि यहाँ प्ले चल रहा है ना तो उनको इस तरीके से एक्ट करने कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं जिरा ने क्या बोला तो वो चीज को अनसुना करते हुए ही कंटिन्यूज हिज कॉन्वर्जेशन एंड ही सेज यू फोन योर ऑर्डर एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम दोस्ट दिंग्स आई वॉन्ट टू डू हेयरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लक्कीस्ट ब्रेक्स तो इंट्रूडो जो है वो बताते हैं कि तुम क्या करते हो भाई तुम फोन पे बातचीत करते हो जो भी तुम्हारा काम है तुम फोन पे ऑर्डर्स लेते हो यू फोन योर ऑर्डर्स एंड टाइम्स यू गो अवे सडनली और उसी तरीके से तुम वापस आते हो यानी कि तुम्हें फोन आता है या तुम फोन करते हो ऑर्डर वगैरह का जो भी बात है वो करते हो जाते हो काम के लिए एकदम से और वापस भी एकदम से आ जाते हो यानी कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है और यही चीजें हैं जो ट्रूडा बोलता है मुझे भी करना है बढ़िया लाइफ है फोन पे बात करूंगा जाऊंगा आ जाऊंगा इससे ज्यादा मुझे कोई टेंशन नहीं लेने रहा तो वो बोलते हैं कि इसी तरीके से मैं भी अपनी लाइफ जीना चाहता हूं और ये जो चीजें थी तुम्हारे बारे में जो मैंने सुनी ये इंट्रूडर के लिए क्या है वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट ब्रेक्स यानी कि वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट थिंग्स दर आर टू हिम तो उनके हिसाब से ये जो लाइफ स्टाइल है किसका जिराट का अगर वो मिल जाता है इंट्रूडर को तो उससे ज्यादा अच्छी बात कुछ नहीं है क्योंकि कुछ करना ही नहीं है और ऐसे कामों में तो कोई वो पकड़े भी नहीं जाएंगे कि उन्होंने ये जिराड नहीं कोई और है सो दिस इज हाउ वो अपना कॉन्वर्जेशन अपनी प्लानिंग अपनी मोटिव को एक्सप्लेन करते जाते हैं किसे जिराड को क्लियर ऑल राइट Then Girard says, apparently you have not the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery. तो यहाँ पर जिस तरीके से you know वो बोलते हैं intruder की मैं बड़ा smart हूँ, I am the smartest, तुम्हारे में brains नहीं हैं, मुझ में भी बहुत ज़्यादा intelligence है। तो यहाँ पे Girard को वो बार-बार Girard बार बोल चुके हैं intruder को कितनी बार कि मेरे पास ऐसा रीजन है कि तुम मुझे मारने का आइडिया ड्रॉप कर दोगे यू you नो know, बिल्कुल तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारा डिसीजन गलत है तुमने मुझे शूट नहीं किया इतनी जल्दी उसके लिए तुम भगवान को थैंक यू बोलोगे बार बार वो कुछ ना कुछ ऐसे यू नो सिग्नल्स दे रहे हैं बट ये इंट्रूडर जो है वो सुन ही नहीं रहे तो वो इंट्रूडर को बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम में इतनी इंटेलिजेंस नहीं है तुम इतने स्मार्ट नहीं हो कि तुम मुझसे एक बार पूछ लो कि ऐसा क्यों हूं मैं यानी इस तरीके से मिस्टीरियस वे में छुपकर अकेले छोटा मोटा काम करके मैं क्यों रहता हूँ वाई आई एम इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टेड इन का मतलब टेकन एम और अडोप्टेड और सराउंडेड बाय दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री क्लोक का मतलब यहाँ पे क्या है केप या रो क्लोक का मतलब क्या होता है एक ऊपर से पहनने का कपड़ा होता है तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके से मैं यू you नो know, इस मिस्ट्री से क्यों सराउंडेड हूँ यानी पूरी तरीके से मैं घिरा हुआ हूँ किससे सस्पेंस से तो तुम जानना ही नहीं चाहते तुमने एक बार भी नहीं पूछा क्योंकि तुम में इतनी इंटेलिजेंस है ही नहीं

डोंट बी अ फूल इफ यू शूट यू विल हैंंगर श्योर इफ नॉट एज योर सेल्फ जिरा फाइनली अब इतनी बार उन्होंने you know, फ्रस्ट्रेट कर दिया है या ईगर कर दिया है कह देना चाहिए किसको इंट्रूडो को कि वो कुछ ना कुछ जानना चाहे तो जिराड अब फाइनली बताते हैं कि बेवकूफ मत बनो डोंट बी अ फूल और अगर तुम मुझे शूट करते हो तो डेफिनेटली यू विल बी हैंग टू डेथ तुम्हें फांसी होगी क्यों इसलिए नहीं कि तुम जो हो पकड़े जाओगे एज द इंट्रूडर या जो कुछ भी तुम्हारा नाम है बल्कि एज विंसन चार्ल्स जिराड यानी कि कुछ ऐसा है जिसकी वजह से अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो तुम विंसन चार्ल्स जिराड बन के रहोगे तो सही बट फिर पुलिस तुमको फिर से क्या करेगी अरेस्ट करके और तुमको एज विंसन चार्ल्स जिराड हैंग टू डेथ होने वाला है तो यहाँ पर जेरार्ड जो है वो इस तरीके से उनको समझाते हैं अब ऑबवियसली हम भी जानना चाहते हैं सब वो क्या कह रहे हैं तो इंट्रूडर बोलते हैं व्हाट इज दिस यानी कि क्या है भाई एक्सप्लेन दी थिंग टू मी व्हाई यू आर सेइंग दिस वर्ड्स लेट्स सी कि जेरार्ड क्या बताते हैं तो जेरार्ड सेज दिस इज योर बिग सरप्राइज अब यही जो लाइन है अगर याद हो आपको फर्स्ट पार्ट में इंट्रूडर ने कहा था कि तुम्हारे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और वो क्या था कि मैं यहां क्यों आया हूं तुमको मारकर तुम्हारी आइडेंटिटी लेने के लिए यही सेम लाइन जिराट बोलते हैं दिस इज योर बिग सरप्राइज यानी कि अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होगा आई सेड यू वुड नॉट किल मी एंड आई वॉज राइट वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टूडे एंड गॉन्ट टू मोरो नेवर सी ट्रेट्स पीपल यू मे से माई हैबिट वुट यू यू आर ए क्रूक डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर द गेम्स आप एज फार एज आई एम कंसर्न तो जिर जो है वो ये बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है कि मैंने तुमको बोला ना यू वुड नॉट किल मी एंड आई वॉज राइट कि तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं सही था क्योंकि वाई डू यू थिंक आई एम है टूडे एंड गॉन्ट टू मोरो कि तुमने कभी सोचा क्यों नहीं कि मैं आज यहाँ पर हूँ फिर मैं कल कहीं और चला जाऊंगा मैं जो हूँ ट्रेड्स पीपल मर्चेंट्स बिजनेस लोगों जो बिजनेस मैन होते हैं उनसे मिलता क्यों नहीं हूँ क्या तुमने कभी सोचा कि ऐसा कि क्यों है हो मेरी हैबिट्स जो है फोन कॉल आते हैं किसी से पर्सनली मिलता नहीं हूं तो ऐसी habits सूट करेंगी बट वो ऐसा है क्यों मैं क्यों इस तरीके की हैबिट्स में यू नो इन्वेस्टेड हूँ ये तुमने कभी सोचा है यू आर अग क्योंकि तुम क्या हो एक क्रिमिनल हो तुम एक डिसऑनेस्ट पर्सन हो डू यू थिंक आई एम अंडे स्कूल टीचर और तुमको क्या लगता है तुम एक क्रिमिनल हो तुम एक डिसऑनेस्ट मैन हो और तुम्हें फिर भी क्या लगता है मैं क्या हूँ एक संडे स्कूल टीचर संडे स्कूल टीचर का मतलब क्या होता है यूज टू इंडिकेट एन ऑनेस्ट मैन यहाँ पे संडे स्कूल टीचर का मतलब ये भी है कि कुछ टीचर्स होते हैं जो एवरी संडे चर्च में ग्लासेस लेते हैं यानी कि वो क्या होते हैं बहुत ज्यादा

वो बोलते हैं कि गेम्स यानी कि मेरे हिसाब से जो मेरी लाइफ है या मैंने जो भी चीजें की हैं जिस भी सिचुएशन में मैं फंसा हूं उस हिसाब से मेरा गेम भी क्या है ऑलमोस्ट ओवर है क्योंकि चीजें जो है कुछ खराब हो गई थी मेरी लाइफ में एंड आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे सेड इट विद बुलेट्स का मतलब क्या होता है कि मैंने भी किसी को शूट किया है आई हैव ऑल्सो सॉरी किल्ड सम और फिर मैं वहां से एस्केप हो गया अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव

जिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे और उनमें से एक पर्सन को पुलिस ने पकड़ लिया ठीक है और देन फाउंड थिंग्स फूल शुड हैव कुछ चीजें उनको मिल गई जिसमें मे भी विंसेंट चार्ल्स के बारे में भी चीजें थी और पुलिस को वो चीजें मिल गई जो इस पर्सन को जिसे पकड़ लिया है पुलिस ने उसे जला देना चाहिए था यानी कि उन्हें जो है सबूतों को जला देना चाहिए था जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं बट वो उन्होंने नहीं किया और इसीलिए पुलिस जो है अब जानती है किसके बारे में भी विंसेंट चार्ल्स के बारे में भी तो इसीलिए टू आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रेवल और आज रात को इसीलिए विंसेंट को लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है मे बी पुलिस इज गोइंग टू काम एंड गोइंग टू अरेस्ट है माई बैग पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ और मेरा बैग जो है वो पैक्ड है

यहां रहने लगोगे मुझे मार डालोगे तो वैसे भी तुम्हें अपने मर्डर के लिए सजा ना हो तो उससे अच्छा क्या होगा तुम्हें मेरे मर्डर के लिए सजा हो जाएगी यानी तुम जो हो इस तरीके से भी अपनी आइडेंटिटी पे भी रहते हो तो भी तुम्हें पुलिस पकड़ के दे विल हैंग यू टू डेथ एंड ऑल्सो अगर तुम मेरी आइडेंटिटी लेकर रहने लगते हो तो भी सेम सिनेरियो होने वाला है तो कोई यूज ही नहीं है मुझे मारकर मेरी आइडेंटिटी को लेकर रहने का क्लियर ऑल चलिए देखते हैं इंट्रूडर का इस पे क्या रिएक्शन होने वाला है इंट्रूडर बोलता है इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट वॉट्स

और फिर आराम से पासपोर्ट वगैरह नकली मतलब ये जो पूरा चल रहा है ना सीन ये है तो प्ले तो पूरा मूवी सीन चल रहा है कि उसी तरीके से वो भी बताते हैं कि ये क्या है मेरी डिस्गाइज आउटफिट है यानी कि मेरे पास ये जो फॉल्स मुस्ताशेज हैं जो नकली मूछे हैं और जो भी मेरे पास और भी प्रॉप्स हैं वो सब चीज़ें क्या हैं वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए मैंने रखी है कि कभी भी यू नो ऐसे मुझे लगता है कि खतरा है या मुझे यू you नो know, कहीं पे छुपना है पुलिस से तो मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकता हूँ लुक चेंज कर सकता हूँ और फिर पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाएगी फिर वो बोलते हैं नाउ डू यू बिलीव मी क्या अब तुम्हें विश्वास हो रहा है मेरी बातों पर वो इंट्रूडर से पूछते हैं इंट्रूडर सेज से आई डोंट नो और वो जो है ऐसा सोच विचार करके थोड़ा यू you नो know, ऐसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उनको क्या करें तो वो बोलते हैं कि आई डोंट नो मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हें बिलीव किया है मैंने तुम्हें या फिर मुझे बिलीव हुआ है या नहीं आई रियली डोंट नो वट आई शुड से वेदर आई बिलीव यू और नॉट क्लियर अब डिस्गाइज का अगर आपको मीनिंग चाहिए यू कैन रीड फ्रॉम हेर दैट इज गिव अ डिफरेंट अपियरेंस इन ऑर्डर टू हाइड वंस आइडेंटिटी क्लियर तो जितनी भी चीजें होती है जैसे पता नहीं चलता है ये कौन सा पर्सन है उसे हम कहते हैं डिस्गाइज आउटफिट डन ऑल राइट

समझ लो यानी कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी बोला है ट्राई टू फिट दैट थिंग इन योर माइंड एंड गेट योर मडल हेड आउट ऑफ योर्स यानी कि कन्फ्यूज माइंड मडल हेड का मतलब कि बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है दिमाग में तो वो इन को बोलते हैं कि जो तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही हैं जो तुम कन्फ्यूज हो रहे हो प्लीज उसको बंद करो कन्फ्यूज मत हो और मेरी बात पर बिलीव करो और मेरे साथ चलो कम विथ मी इन द कार मुझे कार में मैं जा रहा हूँ तुम भी मेरे साथ चलो लेट्स एस्केप टुगेदर एंड आई कैन यूज यू अब वो बोलते हैं ठीक है ठीक थी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ बचने के लिए इट्स ऑल ओके मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रैप बिछाया है एक फ्रेम बिछाया है यानी कि एक जाल बिछाया है मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूं तो कार भी है तुम्हारे पास मैं कार में रहूंगा और तुम्हारे पास गन भी है तो मुझे वहीं पे शूट कर देना तो यहां पे जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं वो सच बोल रहे हैं और पुलिस कभी भी आ सकती है यहां पर तो हमें अब भागने की जितना हो सके जल्दी हमें भागना चाहिए और अगर तुमको लगता है मैंने झूठ बोला है यू हैव गॉट द कार यू हैव गॉट मी इन द कार यू हैव गॉट द गन यू कैन शूट मी राइट अवे इंट्रूडर बोलते हैं मे बी यू आर राइट अब इंट्रूडर को समझ आ रहा है कि हाँ हो सकता है कि तुम सच बोल रहे हो जब कोई मतलब ही नहीं है तो तुम्हें मार कर भी बचने नहीं वाला पुलिस फिर भी मेरे पीछे लगी रहेगी तो देर इज नो यूज तो ही इज लाइक ओके मे बी यू आर राइट और जो तुम जो कुछ भी कह रहे हो वही अब हम करेंगे जिराट देन डोंट वेस्ट टाइम गोज एंड अप हार्ट एंड बैग तो जिराट बोलते हैं ठीक है फिर टाइम मत वेस्ट करो और वो जाते हैं जल्दी से और बैग और हार्ट को उठा लेते हैं क्योंकि अब उनको भागना है क्लियर ऑल राइट देन intruder सेस केयरफुल बॉस आई एम वॉचिंग यू अब इंट्रूडो जो है वो उनको समझाता है कि बी केयरफुल आई हैव माई आई ऑन यू यानी कि मुझे पता है मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ तुम पर कुछ भी अगर होशियारी करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ये एक मूवी डायलॉग आ जाता है यहाँ पे तो इंट्रूडो जो है वो समझा रहे हैं जिराट को कि बिल्कुल भी ज्यादा क्लेवरनेस दिखाने की जरूरत नहीं है डोंट एक्ट स्मार्ट इफ यू डू समथिंग दैट फिशी आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शूट यू Then Gerard says, I have got a man posted on the main road. He'll ring up if he sees the police. But I don't want to leave. Telephone bell. Rings. अब बोलते हैं कि एक कोई पर्सन है जिसको उन्होंने कहा मेन रोड पे पोस्ट कर रखा है यानी कि उन्होंने निगरानी पे रखा हुआ है ताकि वो देख कर बताए नो थोड़ी भी ऐसा लगता है कि पुलिस टू एंटर तो वो टेलीफोन की रिंग यानी कि टेलीफोन करेंगे वो फोन करेंगे तो जैसे ही टेलीफोन की रिंग बजेगी हमें समझ जाना चाहिए कि पुलिस जो है वो किसी वक्त भी आ सकती है और उसी वक्त टेलीफोन की बेल जो है वो रिंग होती भी है कम ऑन दे आर आफ्टर थ्रू टू द अब यहां पर वो जो है उनको बोलते हैं जैसे ही टेलीफोन की बेल रिंग करती है वो इंट्रूडर को बोलते हैं कि चलो पुलिस आ चुकी है हमारे पीछे है अब हमें जाना है और वो एक गेट की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि हम इस गराज के रोड से बाहर जाएंगे और यहाँ से हमको भागने में यू नो सॉर्ट ऑफ कोई रोड है ऑलरेडी उनका प्लान होगा कि हमें यहाँ से एस्केप होना है किससे पुलिस से इंट्रूडर सेस हाउ डू आई नो दैटिंगली उसको कैसे हर चीज पर भरोसा कर ले तुम बोलता है मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो लेट सी जिराट इसका आंसर क्या देते हैं देन जिराट से योर सेल्फ डोर एंड स्टेप्स अवे अब अब जो है वो बोलते हैं कि डोंट बी अ फूल बेवकूफ मत बनो हाँ डाउट मत करो मुझ पर मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ डोंट एक्ट लाइक अ फूल एंड लुक फॉर योर सेल्फ और खुद के बारे में सोचो कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और सच में पुलिस आ गई जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ सच हो तो फिर क्या होगा तुम तो पकड़े जाओगे तो वो इस तरीके से उसको बोलते हैं कि जस्ट

With his side towards अब क्या हो रहा है ये जो इंट्रूडर है वो इस गेट के अंदर कोशिश कर रहा है देखने की तो यहाँ जिराड क्या करते हैं वो ओपन करते हैं डोर को वो पीछे हो जाते हैं और इंट्रूडर जो है वो अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सही है या नहीं एज ई टर्स हिज हेड जिराड गिव अबर्ड अब ये जो है इनके पास ऑलरेडी क्या करते हैं ये जो इंट्रूडर है वो अंदर इंस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जिराट की तरफ उन्होंने गन पॉइंट की हुई है ठीक है अब गन पॉइंट की हुई है और जिराट जो है ये देख रहे हैं कि इंट्रूडर क्या कर रहे हैं इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो जैसे ही इंट्रूडर अंदर हेड डालते हैं यानी कि गन तो यहाँ है बट हेड कहा जा रहा है इस डोर के अंदर तो जैसे ही वो अपना हेड टर्न करते हैं जिराट क्या करते हैं उनको धक्का देते हैं पुश करते हैं और वो होता क्या है वो है एक कबर्ड वो एक अलमीरा है जहां पर वो उसको पुश कर देते हैं वो कोई गराज वराज नहीं था

दो, और वो फोन की तरफ जाते हैं टेबल की तरफ जाते हैं फोन लेते हैं और जो गन है उसको कबट की तरफ पॉइंट करके रखा है केस गलती से ये जो इंट्रूडर है वो कब का गेट तोड़कर या फिर बहुत जोर से जो 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 पुश कर बाहर आ जाता है तो एटलीस्ट इनके पास रिवॉल्वर रहेगी सो so दैट वो उसको शूट कर सकते हैं अपनी जो है सेफ्टी कर सकता है सो दिस इज हाउ ही एक्टेड सो इंटेलिजेंटलीपिंग नथिंग इट वॉज जस्ट लाइक जिराड ने एक प्लान ले किया था एंड ही वॉन्टेड द इंट्रूडर जस्ट गेट रैप्ड इट और फिर वो उसको क्या करते हैं बत, बंद कर देते हैं वो अपने आप को सेव कर लेते हैं सो दिस इज हाउट दैट दिस डोर इज ऑफ अ गराज बट इट वॉज वट इन डीड अ कबर्ट इट वॉज अलमीरा वेयर ही जस्ट लॉक्स द इंट्रूडर और वो अपने आप को बचा लेते हैं तो अभी तक जो हम देख रहे थे ना इतना काम इतना पेशेंट इंसान है जब गन है तो भी वो डर नहीं रहे हैं नर्वस नहीं हो रहे हैं और इतना ब्यूटिफुली उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया दिस इज बिकॉज ही हैड ए प्लान इन इज माइंड और उन्होंने जैसे ही पता लगाया कि इंट्रूडर का रियल मोटिव क्या है उसी तरीके का प्लान फॉर्म कर, कर उसको डरा कर उन्होंने क्या किया ब्लॉक कर दिया क्लियर ऑल राइट उट ऑफ हेर अब इंट्रूडर जो है वो रैक्ल्स डोर यानी वो दरवाजे को इतनी जोर जोर से खटखटा रहे की एक साउंड आ रहा है रैटलिंग साउंड जो होता है और वो बोलते हैं लेट मी आउट ऑफ हेयर मुझे यहाँ से बाहर निकालो जिराट सेस हेलो किस को बोल रहे है? क्योंकि वो गए थे ना टेबल की इधर फोन उठाकर तो वो फोन पे बोलते हैं हेलो यस स्पीकिंग सॉरी आई कॉन्ट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल आई थिंक आल पुट इट इन नेक्स्ट एक्सप्लेन लिसन कैन यू टेल अ फ्रेंड द सर्जन टू कम अपर एट यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार नो वट है अगर आपको ये चीज में थोड़ा भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो जिराट बोलते हैं कि फोन न बजेगा जिससे ये समझ आएगा कि पुलिस आने वाली है और फोन बचता भी है ऐसा क्यों क्योंकि अगर हम पार्ट वन में जाते हैं बिल्कुल बिगिनिंग के डायलॉग्स अगर आप देखो तो जिराड बोलते हैं कि दस मिनट के अंदर अंदर क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कब तक यहां रुक रहा हूं बट दस मिनट के अंदर अंदर आ सकते हो ये प्रॉप्स लेने या फिर कुछ ऐसा वो बोलते हैं यानी टेन मिनट्स के अंदर उनको पता था फोन आने वाला है राइट right? तो फोन बचता भी है तो इसीलिए उन्होंने ऑलरेडी वो सारी चीजों को जो है एक प्लान के सॉर्ट ऑफ यू नो एक फॉर्म किया एक बहुत ही अच्छा प्लान जिसके अकॉर्डिंग उनको पता था कि फोन बजेगा और उनका वर्क कॉल होने वाला है बट इंट्रूडर को क्या लगेगा कि वो उसको पुलिस जो है वो पकड़ने आ रही है सो दिस इज हाउ वो बेवकूफ बनाते हैं इंट्रूडर को फाइनली जो फोन बज रहा था वो उसको उठाते हैं और उनको बोलते हैं कि आई कांट लेट यू द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल यानी कि वो थे क्या वो एक प्ले राइट थे अगर आपको ये लग रहा है कि मैम कैसे पता वो प्ले राइट थे तो अब इस लास्ट स्टैंड लास्ट डायलॉग से लास्ट पैराग्राफ से आपको प्रूफ भी होता है तो वो फोन पे ये बोल रहे हैं कि मैं ये प्रॉप्स जो हूँ टाइम पर नहीं पहुंचा पाऊंगा फॉर द रिहर्सल चेंज अपियरेंस सबको पता है डिफरेंट रियालिटी शोज देखते रहते हो प्रॉप्स मतलब कुछ चीजों का यूज करना अपने एक्ट में कुछ चीजें ऐसी यूज करना जैसे आप अपना अपियरेंस चेंज कर सकते हो जब आप कोई प्ले व्ले कर रहे हो तो ऐसी कुछ चीजें होती है ना जैसे हार्ट हो गए फेक ज्वेलरी हो गई स्पेक्टिकल्स हो गए ये सब चीजें क्या कहलाती है प्रॉप्स तो वो बोलते हैं कि मैं रिहर्सल के लिए टाइम पर प्रॉप्स नहीं दे पाऊंगा आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ है इसका मतलब आई हैव समथिंग समिंगट कॉज इनकनवीनियंस और ट्रबल कुछ ऐसा है मेरे पास आ गया था कुछ ऐसा हो गया था जिससे यूनिट वॉज बॉदरिंग फॉर मी इट वॉज अ स्पॉट ऑफ बॉदर क्वाइट अम्यूजिंग और थोड़ा ऐसा है कि जो मज़ेदार है आई थिंक आई पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले

At once. अब वो अपने फ्रेंड जिससे भी बात करें उनसे बोलते हैं कि हमारा जो फ्रेंड है जो कॉप है जो पुलिसमैन है उसको बोलो कि मेरे घर पे अभी के अभी आए और अगर तुम्हें नहीं मिलता है यू कैन प्रोबेबली फाइंड हम इन द पब्लिक बार कि वो पब्लिक बार में ही तुमको मिलेगा तो वहां जाके उसको ढूंढो और उसको बोलो कि मेरे घर पर अभी के अभी आए क्यों बुलाते हैं वो ताकि वो इंट्रूडर को क्या करें अरेस्ट करें सो दिस इज हाउ वो बेवपूफ बनाते हैं कि इंट्रूडर को क्लियर ऑल राइट दैट इज इफ आई वो यू इज द प्ले रिटर्न बाय डगलिस जेम्स तो आपको ये चीज जो है ना ऐसे पॉइंटर्स जैसे द दर... फन दे हैड रिटन बाईज इस चैप्टर तो इस तरीके की आप अगर लाइन यूज करते हो अपने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स में दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव दैट आंसर यू नो अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनर को वो चीज़ जो है अलग लगेगी बाकी बच्चों के आंसर से सो so, अगर आप ये चीजें मैंशन कर देते हो कि किसने लिखा है चैप्टर क्या नाम है वो प्ले है या वो लेसन है या फिर वो पोअम है डेफिनेटली दैट गेंस यू एक्स्ट्रा मार्क्स डॉन ऑल राइट सो द प्ले इज ऑन द लाइफ ऑफ अ प्ले राइट

तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है यहाँ बात हो रही है एक प्ले की जो कि किसने लिखा है डगलस जेम्स ने और इस प्ले में हम बेसिकली दो लोगों की बात कर रहे हैं द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले या फिर विंसेंट चार्ल्स जेराड और दूसरे हैं इंट्रूडर जो कि एक किलर हैं जो कि एक क्रिमिनल हैं। तो इन लोगों के बीच बारे में बात हो रही है पूरा चैप्टर इनके अराउंड ही रिवॉल्व करता है और इस चैप्टर में हम देखते हैं कि कैसे जिरात जो हैं वो अपनी क्लेवरनेस अपने स्मार्टनेस अपने इंटेलिजेंस को यूज कर एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम एस्केप कर पाते हैं इस किलर से दैट इज द इंट्रूडर Now the play completely begins with a setup. एक setup है जो already हम देख चुके हैं and it begins with a telephonic call जो कि जिराट कर रहे हैं बातचीत किसी एक person से on the other side of the call. So it begins with a telephonic conversation जो कि कौन कर रहे हैं बातचीत Girard हुए जब play right जो कि plays लिखते हैं. After hanging up the phone call, he starts packing his ट्रेवलिंग बैग तो वो जो है फोन कॉल जैसे ही रखते हैं यानी कि वो बातचीत हो जाती है और उनकी ही कीप्स डायल एंड देन ही स्टार्ट प्रिपेरिंग टू गो समेयर और उसके लिए वो अपने ट्रेवल बैग में सारी चीजें पैक कर रहे हैं Was preparing to टू props प्रॉप्स फॉर रिहर्सल कहाँ जा रहे थे वो एट the एंड हमको पता चलता है वो प्रॉप्स को deliver करने जा रहे थे एक रिहर्सल के लिए एक प्ले की रिहर्सल के लिए तो ये प्ले राइट है और इनके पास हो सकता है ये प्रॉप्स वगैरह का भी उन्होंने डिलीवरी करते हों तो वो ये प्रॉप्स देने जाने वाले थे कहीं पे फॉर द रिहर्सल then an intruder entered his home. और उसी वक्त क्या होता है एक इंटरूडो जो है वो उनके घर में घुस जाता है He was carrying a gun. He was wearing a hat. Hat, hat sorry. He had the same build-up as Gerard, and he also had a gun in his hands. Gerard was surprised, but he remained calm. ऐसा नहीं था कि Gerard को कोई फर्क ही नहीं पड़ा. He was not surprised. He was not amazed. Uh, obviously, he was prepared नहीं थे वो कि कोई आने वाला है ऐसे उनके घर में. तो वो surprised तो हैं, but बेस्ट क्वालिटी ऑफ जिराज की वो काम रहते हैं वो शांत रहते हैं ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी तो वो जो है अपना काम मेंटेन रखते हैं ही इज जस्ट वेरी पेशेंट वेरी कूल जब वो किसको देखते हैं इंटूडो को विथ अ गन इन हिज हैंड्स द इंट्रूडर हैड द सेम बिल्डअप एज जराड और वो सेम ऑलमोस्ट यू नो सेम हाइट सेम बॉडी बिल्डिंग यू नो पूरी जो भी उनका एक पर्सनैलिटी था वो ऑलमोस्ट सेम था किसके जैसे जिराड के जैसे और इसीलिए उन्होंने जिराड को चूज किया था कि वो मेरी तरह थोड़ी बहुत दिखता है तो इसीलिए आइडेंटिटी लेना जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा फॉर द इंट्रूडर क्लियर ऑल राइट The intruder asked Girard to raise his hands and answer his questions. अब Girard जो ये intruder हैं, वो directly उनको बोलते हैं, to raise your paws यानी कि अपने हाथ ऊपर करो। एंड आंसर माई क्वेश्चन जो जो भी मैं पूछूं ना जिराड इज वेरी इंटेलिजेंट वो बहुत कूल cool रहने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं इससे कि हो सकता है आपकी जो पोजिशन है वो बहुत कंफर्टेबल हो आपके लिए बट मैं ऐसी पोजिशन में खड़े खड़े आपसे आंसर या फिर आपसे कॉन्वर्जेशन नहीं कर पाऊंगा आई वॉन्ट टू सिट समेर तो ये जो इंक्लूडर है वो खुद कहाँ बैठ जाता है दीवान पे एक बेड पे और ये जो जिराड है उनको वो चेयर पे बैठने के लिए ऑर्डर देते हैं और वो जो है बिल्कुल चिल्ड आउट है और वो क्या करते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर कर रहे होते हैं किसान से तो सॉट ऑफ चिट चैट जो है स्टार्ट हो जाती है बिटवीन अ क्रिमिनल एंड अ प्ले राइट जो कि थोड़ा सा यू you नो know, हमें भी अजीब लगता है कि कैसे चल रहा है बट एट दी एंड हमें समझ आता है कि जिराड बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है उन्हें पता था कि उन्हें किस तरीके से डील करना है एक इंट्रूडर के साथ Tells the intruder दैट his नेम इज विंसेंट चार्ल्स ही lives alone in इन द कॉटेज एंड ही a ही नेवर never एनी any मैन तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम सारे डायलॉग्स रिपीट नहीं कर रहे हैं समरी है यहाँ पे तो इंट्रूडो जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं कि टेल मी और क्रिश्चियन नेम तो वो बताते हैं कि इट्स विंसेंट चार्ल्स फिर वो पूछते हैं डू यू हैव अ कार और डू यू लिव अलोन है डू पीपल कम है तो वो बताते हैं कि नहीं आई लिव अलोन इन दिस कॉटेज देर आर हार्डली सम पीपल हु मीट मी लाइक यू नो ग्रीन ग्रॉसर मिल्क मैन बेकर तो इस तरीके से चीज़ें बताते हैं उनको एंड देर आर वेरी फ्यू पीपल हु टेक ट्रेवल टू मीट मी एंड विजिट मी और फिर वो बताते हैं उनको यूनोवी you know, तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि क्या कार है तुम्हारे पास तो ही सेव अ कार बट इंट्रूडर जो है ऑलरेडी वो जानता है कि ये इनके पास कार है क्योंकि उनको आइल्सबरी में देख चुके थे वो कार में सो ही इज लाइक आई नो डोट एक्ट स्मार्ट आई नो दैट यू है कार एंड इट्सिंग जो की बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश कार है वो कहते हैं सो so विंसेंट या फिर जिरा जो है वो बताते भी है इनको कि येस आई है कार विच इज देयर इन दी गराज जिराड ऑल्सो ट्राइज टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द इंट्रूडर नाउ जिराड इज लाइक अगर वो बातचीत नहीं करेंगे उनको रियल मोटिव नहीं पता चलेगा इंट्रूडर का कि वो चाहते क्या हैं तो फिर इतना ज्यादा यू नो जो एंड जो बिल्कुल एक बोल सकते हो अनएक्सपेक्टेड सा एंड होता है वो नहीं होता इफ जिराड वुड नॉट हैव बीन पेशेंट इनाफ और इंटेलिजेंट इनाफ टू आस्क सम क्वेश्चन टू इंट्रूडर तो वो भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं इंट्रूडर से अबाउट डिफरेंट थिंग्स

वो जूल रॉबरी में स्पेशलाइज्ड यानी कि अगर बोलते हैं ना कि हर एक चोर का एक बोल सकते हो फील्ड होता है कि वो किसमें सबसे अच्छा है तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि आई स्पेशलाइज इन जूल रॉबरी यानी कि ज्वेलरी वगैरह जो रॉब करनी होती है चोरी करनी होती है उसमें बहुत बोल सकते हो माहिर है ये इंट्रूडर एंड वो जो है पुलिस के द्वारा ही वॉज बी चेज बी फॉलोड बाई दुलिस अवे तो वो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताते हैं कि वाई ही जिराड तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट या डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसिस पे जिराड आस्ट वेरी इंटेलिजेंटली आस्ट डिफरेंट क्वेश्चन एंड गेट्स टू नो द मोटिव अबाउट ऑफ द इंक्रूडर कि वो क्यों मारना चाहते हैं किसको जिराड कोल राइट

एंड लिव अ लाइफ ऑफ़ फ्रीडम क्योंकि फ्रीडम इज समथिंग जो कि हर किसी को चाहिए वेदर दैट्स बींग अ किड वेदर दैट्स बींग अ टीन एजर एंड एडल्ट अ मैन अ वमेन अ क्रिमिनल और एन एनिमल तो कोई भी हो हर किसी को फ्रीडम चाहिए फाइनली उसी चीज के लिए यू you नो know? एक फ्रीडम ऐसी चीज होती है जो कि अगर आप किसी से छीन लो तो बहुत टाइम तक सामने वाला जो है वो खुशी से नहीं रह सकता राइट right? तो सेम चीज है उसको भी क्या चाहिए थी फ्रीडम चाहिए थी कि पुलिस जो है वो पीछे भाग रही है ना इसके इंट्रूडर के क्योंकि उसने मर्डर किया है तो वो हर जगह छुप छुप के नहीं रहना चाहता वो चाहता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी भी रहे कुछ भी खाए कुछ भी पिए कहीं भी घूमे कुछ भी काम करे बट दैट ही के नॉट डू बिकॉज ही इज बीन चेंज्ड बाय दी पुलिस ही कुड गो टू प्लेसिस ईट एंड स्लीप विदाउट द फियर ऑफ बी कॉट बाय द पुलिस एंड वंस यू नो अगर वो आइडेंटिटी स्टील कर लेते हैं किसी की जिराट की द मोमेंट हीट तो उसके बाद ये जो इंट्रूडर है उसका मानना है कि वो फ्रीली कहीं पर भी रह सकता है कुछ भी खा सकता है अपनी मर्जी से जितना टाइम चाहे सो सकता है और ये सब चीजें जो है वो बिना पुलिस के डर के कर सकता है बिकॉज ऑब्वियसली वॉज अ फ्रेड ऑफ गेटिंग कॉट बाई दुलिस एज हीजर्ड क्लियर

जब यू नो इंट्रोड जो है वो यही बोलता है कि इट्स वेरी इजी टू बिकम चार्ज बिकॉज आई कैन कॉपी यू आई कैन टॉक लाइक यू द पॉश वे जो है जो एक बिल्कुल well you know, एक बिल्कुल वेल मैनर्ड यू नो एलिगेंट वे जो था जेराड का वो कॉपी करके उनको बताते भी हैं कि देखो मैं तुम्हारी तरह बात भी कर सकता हूँ हाई दिस इज विंस इन चार्ज जराड है तो वो पूरा कॉपी करके बताते हैं उनको और बोलते हैं मुझे सिर्फ स्पेक्टेकल्स की जरूरत है क्योंकि जो प्ले राइट है वो स्पेक्स पहनते थे और मैं सिर्फ वो स्पेक्स या चश्मे लगा

तो इसीलिए वो जो है इंट्रूडर वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है इसके लिए भी रास्ता है मैं तुम्हारे कपड़े पहन लूंगा बिकॉज दे वुड फिट मी वेल देन टेल्स द दैट ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट टू गेस दैट वाई वॉज जेरा सराउंडेड बाय द एयर ऑफ मिस्ट्री नाउ अब ये समझाते हैं जिराड उनको इंट्रूडर को बार बार वो सिग्नल्स दे रहे हैं बट इंट्रूडर जो है वो अपने ही स्मार्टनेस में है अपने ही मोटिव में खोए हुए हैं सो ही वॉज नॉट एबल टू पॉइंट आउट दीज थिंग्स जो कि वो बोलते हैं जिराड तो जिराड फाइनली बोलते हैं कि तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो कि तुम समझ पाओ या तुम ये पूछो मुझसे कि वाई आई लिव अ लाइफ दैट इज सो मिस्टीरियस वाई एम आई सराउंडेड बाय क्लोक ऑफ मिस्ट्री जिराड वॉन्ट्स द इंट्रूडर नॉट टू एक्ट फूलिशली इफ ही शॉट एट हिम ही वुड बी हैंड टू डेथ तो इंट्रूडर इज लाइक कि इतना ज्यादा गोल गोल मत घुमाओ डोंट बीट अराउंड द बुश कम टू द पॉइंट स्ट्रेट एंड टेल मी एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से कि यू you नो know, मुझे पूछना चाहिए कि तुम इतनी मिस्टीरियस इन्वायरमेंट में क्यों रहते हो वाय यू आर लाइक अ मिस्ट्री मैन तो जिराड उनको एक सॉट sort ऑफ of, हमें पता है कि पूरी स्टोरी फॉर्म करते हैं और उनको बेवकूफ बनाते हैं बाय टेलिंग हिम कि अगर तुम मुझे शूट कर दोगे तो फिर भी पुलिस तुमको पकड़ ही लेगी एंड यू विल बी हैंग एंटिल डेथ बिकॉज आई हैव ऑल्सो कमिटेड अ क्राइम लेट्स आगे वो क्या बताता है द इंट्रूडर गॉड क्यूरियस एंड इस तरीके से जिराह जो है वो क्यूरियोसिटी जो है बोल सकते हो आ, बढ़ाते हैं किसकी इंट्रूडर की ऐसा नहीं होता देखो कहीं पे भी कि वो जो है डायरेक्टली बता देते हैं ऐसा ऐसा बिकॉज वो एक प्ले राइट है तो उनको पता है कब कौन सा सीन आना चाहिए कब कौन सा डायलॉग आना चाहिए तो वो ये प्ले या जो सीन उनके दिमाग में चल रहा है उसको प्रॉपरली परफेक्टली यूज़ कर रहे हैं और राइट टाइमिंग पे राइट जो है बॉल फेंक रहे हैं वो कि कब उनको किस तरीके से यू नो कौन से पॉइंट को बोलना है ताकि इंट्रूडर जो है वो सच में मानने लगे कि जिराट जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं

फिर वो बताते हैं कि हम भी यू you नो know, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मुझे किसी को मारना पड़ा था यूजिंग माई गन और फिर मैं भागने की कोशिश कर रहा था बट अनफॉर्चुनेटली मेरे ग्रुप में से एक आदमी जो है पुलिस को पता चल गया था कि कौन है जिराट कहाँ है और उसको वो बहुत जल्दी पकड़ने वाले थे सो दिस इज हाउ वो जिराट को बताते हैं कि इंट्रूडर को बताते हैं कि आई एम ऑल्सो बीन चेस्ड बाई दुलिस एज जिराज एक्सपेक्टिंग यही समझाते हैं कि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आज रात को पुलिस यहाँ आने वाली है देर इज सम्रेवल्टिंग और इसीलिए मैंने अपना बैग वैग तैयार कर लिया है और मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा हूँ बैग एंड अ गन बट वाई वॉज ई कैरिंग स्टफ लाइक आर्टिफिशियल मुस्टेश

सो जिराट टेल्स इन प्रॉप्स सो हीट ही को चेंज इज अपरेंस इन ऑर्डर टू हाइड हिमसेल्फ तो वो यही बताते हैं ट्रूडर को तो डीज प्रॉप्स आर हिज डिस्गाइज आउटफिट यानी कि वो ये चीज़ें यूज कर छुपने वाले हैं अपनी आइडेंटिटी को यू नो हाइड करके रखने वाले हैं फ्रॉम द कॉप्स इन केस अगर उनको पुलिस के सामने कभी आना पड़ा या पुलिस कभी उनको देख लेती है तो अगर वो अपियरेंस चेंज करके जाएंगे तो पुलिस उनको पकड़ नहीं पाएगी एंड दैट इज बाई ही इज ऑल्सो कैरिंग दीज प्रॉक्स फॉर इज सेफ्टी Gerard convinces the intruder to believe his words and tells the intruder that the police is also after Gerard. फॉर मर्डर एंड फाइनली जराड इज एबल टू कन्विंस दिस पर्सन दिस इंट्रूडर कि तुम्हारे पीछे अगर यू you नो know, पुलिस है तो मेरे पीछे भी पुलिस लगी हुई है और अगर तुम मुझे शूट नहीं करते हो तो पुलिस तुम्हारे मर्डर के लिए तुमको पकड़ेगी और अगर तुम मुझे शूट करके मेरी आइडेंटिटी स्टील करके रहने लगते हो तो पुलिस मेरे मर्डर के लिए तुमको पकड़ लेगी सो दिस इज हाउ वो उसको दोनों तरफ से फंसा लेते हैं इंट्रूडर को कि उसके पास और कोई यू नो रास्ता ही ना रहे कोई वे ही ना रहे टू एस्केप और टू डू थिंक अबाउट समथिंग एल्स

अब इंट्रूडर जो है वो बिलीव कर जाते हैं जिराड की स्टोरी और जिराड उनको बोलते हैं हु आस्क हिम जिराड आस्क हिम टू गो टू द गिराज यहाँ पे गराज है भाई इस गेट से हम जाते हैं इस रूट से हम कार में बैठेंगे एंड वील एस्केप फ्रॉम द पुलिस सो जिराड ओपन द गराज डोर एंड पुशेज द इंट्रूडर इन साइड इज एक्चुअली अ कपड़ अब इंट्रूडर मान लेते हैं हाँ भाई यहाँ पे गराज है चलो चलते हैं सो so, जैसे ही जिराट जो है डोर को ओपन करते हैं और वो साइड में हो जाते हैं ताकि पहले इंट्रूडर एंटर हो एंटर हो और इंट्रूडर जो है जैसे ही इंस्पेक्ट करने के लिए अंदर अपना यू नो हेड रखते हैं वो गन को पॉइंट करके रखते हैं किस पे जिराट पे और अंदर वो कोशिश करते हैं चेक करने की कि हाँ भाई सब कुछ सही है ये गराज ही है ना तो जैसे ही उनका ध्यान जाता है वहां तो जिराट क्या करते हैं पुश कर देते हैं इंट्रूडर को धक्का दे देते हैं और वो बंद कर देते हैं कहाँ कवर्ड के डोर में तो वो कोई गराज नहीं होता बल्कि वो एक कवर्ड होता है वो एक अलमीरा होता है जिसके अंदर वो उसको क्या करते हैं बंद कर देते हैं और उसके गन को अपने पास रख लेते हैं देन व्हिच इज एक्चुअली अ कवर्ड एंड लॉक्स हिम अप इनसाइड देन जिरार्ड answers the phone and says that he would not be able to deliver the props in time for the rehearsal

For in the right time for the rehearsals. Clear? Alright. He added that he would add this incident to his next play. He also asked the person to send the surgeon to his residence. Or finally if your friends or whoever on the other side of the phone उनको बताते हैं कि भाई इस चीज को हम अपने प्ले में भी इनकॉर्पोरेट करेंगे बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है मेरे साथ बट तुम ये ध्यान रखो कि यू हैव टू जस्ट सेंड सर्जन राइट नाउ ही द पर्सन कि सर्जन को बोलो अभी के अभी मेरे घर पर आए एंड ही इट दैट प्रोबावली द सर्जन कुड बी फाउंड इन द पब्लिक बार और अगर तुमको सर्जन कहीं नहीं मिलता है गो टू द पब्लिक बार मे बी वहां सर्जेंट होंगे एंड टेल हिम टू जस्ट कम टू माई रेसिडेंस राइट नाउ

तो यही होता है कि कौन स्पीकर है किसने बोला किसको बोला बिकॉज डायलॉग्स में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स हैं तो थोड़ा डिफिकल्टी कम रहेगी बट यही चीज होती है डायलॉग्स में यू विल बी यूल हु इज द स्पीकर हु इज आई हु इज यू इन दीज लाइन्स क्लियर ऑल राइट तो सबसे पहला डायलॉग है एट लास्ट अ अटिक ऑडियंस तो यहां हमें पता है कि जब यू you नो know, जो इंट्रूडर है वो क्या करता है वो पूछता है कि अपने बारे में कुछ बताओ आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू तो यहाँ जिराड क्या बोलते हैं जो प्ले राइट है कि चलो फाइनली मुझे एक ऑडियंस मिली अब देखो इसका मतलब ये भी है कि वो एक प्ले राइट है प्लेज लिखते हैं तो ऑडियंस वगैरह का काम होता ही है बट फाइनली उनको एक सिंपथेटिक जो इमोशनली कनेक्टेड हो वैसी ऑडियंस मिली है ऐसा वो सर्कैस्टिकली कह रहे थे सो हु वुड सेट दीज सो हु क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट है वाई डज ही सेड वो क्यों बोलते हैं ऐसे क्योंकि इंट्रूडर उनसे पूछते हैं अपने बारे में कुछ बताओ तो सर्कैस्टिकली वो बोल रहे हैं कि फाइनली अ अटिक ऑडियंस सो ही सेज सेट वेन इंट्रूडर आस्क हिम टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ तो इंट्रूडर ने उनके बारे में पूछा है चलो अपने बारे में कुछ बताओ तो चलो कुछ, किसी को तो पढ़ी है यू you नो know, मेरे बारे में सुनने की इसीलिए जिराट बोलते हैं एट लास्ट अ अटिक ऑडियंस क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट है इज ही सर्कैस्टिक और सीरियसली वॉज सीरियस और जिरांड की यही क्वालिटी बहुत ही अच्छी है भाई कि हमेशा उन्होंने हर एक चीज को बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे में डील किया जिस तरीके से इंटेलिजेंटली क्लेवरली वो हर एक क्वेश्चन का का आंसर दे रहे थे इंट्रूडर उसको घुमा फिरा के आंसर दे रहे थे उससे फाइनली मोटिव पूछ लिया तो ही इज अ वेरी 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 इंटेलिजेंट पर्सन तो यहाँ पे भी वो ये चीज सर्कैस्टिकली बोल रहे हैं यानी इनका मतलब कुछ और है कहने का एंड दिस इज समथिंग जो कि एक व्यंग बोलते हो ना उस तरीके से वो बोल रहे हैं सी इज नॉट सीरियस ही इज सर्कै in these lines clear all right नेक्स्ट है व्हाई डज द इंट्रूडर चूज जिराड एज द मैन आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन ऐसा क्यों हुआ कि जो इंट्रूडर है उसने को ही चूज किया कि भाई उसकी आइडेंटिटी ही चूज करनी है मुझे या उसी की तरह रहना है मुझे लाइफ टाइम बहुत से रीजन से इसके ऑब्वियसली क्योंकि ये बहुत अकेला रहता था इसका जो काम था वो ऐसा नहीं था जिसकी वजह से किसी से मिलना मिलना हो तो इंट्रूडर फंस जाते और ये फोन पे ही ज्यादातर अपने ऑर्डर्स दे देते थे नंबर टू इनकी जो बॉडी थी पर्सनैलिटी थी वो जिराड से काफी मैच करती थी तो अगर वो स्पेक्स लगा लेते

अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं देखो इंट्रूडर जो है वो डायरेक्टली बता देते हैं कि मैंने किसी कॉप को किल किया था आई हैव मर्डर्ड अ कॉप बट ये जो है प्ले राइट है भाई इनकी भाषा बड़ी अलग होती है तो जिराड बोलते हैं कि कुछ गलत हुआ कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग और मैंने जो है बुलेट से बातचीत की अब इसका मतलब क्या हुआ आई यूज गन टू डील विद दैट पर्सन आई किल्ड दैट पर्सन आई शॉट दैट पर्सन इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने गोली मारकर जो है जो भी मामला था उसको क्या कर दिया एंड ही कर दिया ही मर्डर्ड सामान तो ये लाइन्स कौन बोलते हैं ये बोलते हैं जेराड क्लियर तो जहां पे भी आपको लगता है ना कि बहुत यू you नो know, अलग ही टाइप की लैंग्वेज है बड़ी पॉलिश लैंग्वेज है तो ऑब्वियसली वो एक प्ले राइट ही यूज कर सकते हैं तो जिराड की ही वो लाइन्स होंगी क्लियर सो हु सेज दिस ऑब्वियसली सेज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्या है इट मीन दैट वेन ही वॉज इन ट्रेवल ही मुसीबत में थे तो बचने के लिए उन्होंने बुलेट से बातचीत की यानी गन का यूज किया टू तो किल दैट पर्सन एंड रन अवे फ्रॉम क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट है इज इट द ट्रुथ वॉट इज द स्पीकर रीजन फॉर हमें भी पता है भाई ये बहुत अच्छे इंसान है प्ले राइट है कोई जस्ट दैट वो चाहते थे कि इंट्रूडर को लगे कि भाई मैं अगर इसकी भी आइडेंटिटी स्टील कर लेता हूं तो इस पर भी एक केस चल रहा है ही इज ऑल्सो बीन वॉन्टेड फॉर अ मर्डर केस दैट्स वाई मैं कुछ भी करूँ तो हर जगह से मैं फंसूंगा तो ये ट्रू नहीं था इट्स जस्ट दैट वो इंट्रूडर को मैन्युपुलेट करना चाहते थे दैट्स वाई ही यूज दीज लाइन्स सो नो इट इज नॉट दूथ जेराज दिसंट्रूडर सो दैट

और ये कैसे प्रूफ होता है क्योंकि यहां पर वो बोलते भी है बहुत सी चीजें अबाउट अबाउट द द प्रॉप्स रिहर्सल वो सब हम यहाँ लिखेंगे सो जिराड इज अ प्ले राइट पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट दिस आर ही सेज सॉरी आई कांट लेट यू द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल एंड आई आई थिंक तो पहली लाइन जब वो ये बोलते हैं ना कि सॉरी मैं रिहर्सल के लिए प्रॉप्स को राइट टाइम पे नहीं लेके आ पाऊंगा इसका मतलब वो क्या थे एक प्लेराइट थे रिहर्सल मतलब जो नाटक का रिहर्सल होता प्रैक्टिस होती उसमें कुछ प्रॉप्स की जरूरत पड़ती एंड आल्सो जब वो ये बोलते हैं कि मैं अपने अगले प्ले में इस पार्ट को डालूंगा यानी जो कुछ भी उनके साथ हुआ था अबाउट द इंट्रूडर वो सारी चीजें वो नेक्स्ट प्ले में लिखने वाले हैं तो इससे प्रूफ होता है कि वो क्या है एक प्लेराइट है क्लियर ऑलराइट नेक्स्ट है यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट अब ये बात है कौन बोलता है कि तुम जितनी स्मार्टनेस दिखा रहे हो क्लेवरनेस दिखा रहे हो बहुत जल्दी जो है तुम ये सब चीजें बंद कर दोगे कौन बोलेगा ऑब्वियसली इंट्रूडर क्योंकि जिराद तो बोलेंगे नहीं इंट्रूडर को कि भाई मेरे पास कुछ ऐसा है कि मैं तुमको मार दूंगा तो तुम बिल्कुल स्मार्ट होना बंद कर दोगे क्योंकि जिराट के पास गन नहीं है इंट्रूडर के पास गन है तो वो बोलते हैं ये को कि जैसे ही तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्यों आया हूं यहां पर दैट इज टू किल यू तो उसके बाद तुम्हारी जो स्मार्टनेस है वो बंद हो जाएगी क्लियर सो हु सोज इंट्रूडर this done all right

कुछ भी पूछ रहे हैं इंट्रूडर उनसे उसका सही सही जवाब दे क्लियर ऑल नेक्स्ट है व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर विल स्टॉप जिराड फ्रॉम बीइंग स्मार्ट तो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है जैसे ही उसको सच पता चलेगा जिराड को कि वो जो है इंट्रूडर उनको मारने वाले हैं एट एनी मोमेंट तो वो चीज है जिसकी वजह से उनकी स्मार्टनेस जो है वो कम या फिर कह सकते हो स्मार्ट बनना बंद बन कर देंगे so as the speaker intends to kill Gerard, so when he will get to know that he came to Gerard to kill him and steal his identity he would become scared and stop being smart so as the as, uh, you know as soon as he would get to know about the reason of intruder that entered in his house that he is going to kill him and steal his identity that is something will make him feel you know scared ki ab to end he world and he would stop being smart clear all right नेक्स्ट है दे कांट हैंग मी टू वाइस अब ऑब्वियसली कौन बात करेगा ये ये इंट्रूडर बोलेंगे राइट ऑब्वियस जिराड ने दो मर्डर की बात नहीं की है तो ये कौन बोलता है ये इंट्रूडर बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारा भी मर्डर कर देता हूं तो मुझे दो बार फांसी की जगह सजा नहीं मिलेगी बिकॉज ऑलरेडी एक मर्डर के लिए मैं वॉन्टेड हूँ तुम्हें भी मार दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है क्लियर सो हु सेज दिस द इंट्रूडर सेज दिस नाउ सेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इज वाई डज द स्पीकर क्यों बोलते हैं इंट्रूडर ऐसे द स्पीकर सेज दिस बिकॉज ही ऑलरेडी मर्डर्ड समन देन इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम एज अ पुलिस के नॉट हैंग हिम तो एक मर्डर ऑलरेडी कर दिया है अब उसके लिए उनको ऑलरेडी फांसी की सजा सुना दी गई है अब वो दूसरा मर्डर करें तीसरा करें दस करें पंद्रह करें उनको एक ही सजा मिलने वाली है वो है कि इनको फांसी दे दी जाएगी सो ही इज लाइक द पीपल और द पुलिस के नॉट हैंग मी टू इफ आई इवन मर्डर यू क्लियर ऑल नेक्स्ट है वॉट इज द मिस्ट्री द स्पीकर प्रपोजेज टू एक्सप्लेन अब मिस्ट्री मैन किसको बोला गया है जिराड को तो मिस्ट्री की बात कौन कर रहे हैं जिराट और वो क्या मिस्ट्री है कि भाई मैं भी तुम्हारी तरह ही क्रिमिनल हूं मैं एक संडे स्कूल टीचर की तरह ऑनेस्ट नहीं हूं मैंने भी किसी का मर्डर किया है एनी टाइम आई कैन एक्सपेक्ट पुलिस एंड दैट्स एम ट्राइंग टू एस्केप सो दिस वॉज द मिस्ट्री जो कि वो बताना चाह रहे थे किसको इंट्रूडर को सो द मिस्ट्री दैट द स्पीकर जिराड प्रस टू एक्सप्लेन इज वाई ही हिमसेल्फ इज अ मिस्ट्री मैन क्यों वो ऐसी मिस्टीरियसराउंडिंग में रहते हैं

रीजन तो सबसे पहले इंट्रूडर जब जिराड को यू नो डरा रहे हैं कि एक सरप्राइज है जिसकी वजह से तुम स्मार्ट होना बंद कर दोगे और दूसरी बात जब जिराड इंट्रूडर को समझाना चाहते हैं कि वो क्यों एक मिस्टीरियस मैन है और उन्होंने भी यू you नो know, उनके पास भी एक ऐसा रीजन है जिससे इंट्रूडर उनको मारने का आईडिया ड्रॉप कर देंगे इन दो टाइम्स पे ये लाइन यूज की गई है क्लियर ऑलराइट नेक्स्ट है

क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज तो इतने ही टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे इतने ही डायरेक्ट क्वेश्चंस थे फ्रॉम द चैप्टर अब हम कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन इन ब्रैकेट तो अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं आपको एक सही वर्ड का यूज करते हुए या चूज करते हुए उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है क्लियर और सो so, यहाँ पे आपको डिफरेंट यू नो यूनो दिए हैं कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको ये देखना है कौन सा जो वर्ड है वो सूटेबल है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जैसे पहला सेंटेंस है द साइट साइट ऑफ द इंसिडेंट वाज तो सुनने में क्या लग रहा है सेम लग रहा है ऑलमोस्ट स्पेलिंग भी सेम है बट मीनिंग्स डिफरेंट है साइट जो होता है एस आई टीई वो क्या होता है जो आपको देखने को मिला सीन और जो सीआईटी साइट -E होता है दैट अ प्लेस ठीक है अब यहां बोला है घेसली घोसली घोसली यानी कि जो डरावना हो यानी कि जो भूत से रिलेटेड हो दैट इज घोसली और घेसली मतलब होता है जो आपको बहुत स्केरी लगा हो दैट इज घेसली तो यहां पर नेक्स्ट जो है वो है अ कॉलेज प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट तो जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वो होता है पी ए एल और जो हमारी लाइफ में ट्रू चीजें होती हैं या फिर जो एथिक्स होते हैं उसे कहते हो प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ वो होता है एली वाला प्रिंसिपल क्लियर नेक्स्ट है आई स्टडी इट कंटिन्यूअसली या कंटिन्यूली फॉर एट आवर्स कंटिन्यूसली मतलब लगातार बिना रुके कंटिन्यूली मतलब अक्सर जो चीजें होती हैं उसको कहते हो कंटिन्यूअली तो ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं तो यहां बोलना चाह रहे हो कि मैंने एक आठ घंटे लगातार पढ़ाई की तो वो हो जाएगा कंटिन्यूअसली और अगर आप ये बोलना चाहते हो अब अक्सर यही चीज़ करते हो फ्रीक्वेंटली ये चीज करते हो तो उसे कहोगे कंटिन्यू

नेक्स्ट है विल डैश होस्ट या होस्ट एन एग्जीबिशन ऑन क्रुएलिटी टू एनिमल्स इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होस्ट यानी कि मेजबानी करेंगे हम लोग जो है ये

एस SI आई वाली साइट आने वाली है कि जो देखा हमने वो इंसिडेंट बहुत डरावना था वो था गैसली देन कॉलेज प्रिंसिपल जो होते हैं वो होता है पी ए एल और जो हमारी लाइफ के प्रिंसिपल्स होते हैं उसको ऐसे याद रखो तो वो पी एल ई होता है क्लियर नेक्स्ट है आई स्टार्टेड कंटिन्यूअसली क्योंकि अगर फ्रीक्वेंटली होता तो कंटिन्यूअली बोलते हैं तो बट मैंने लगातार विदाउट टेकिंग अ ब्रेक विदाउट सीजिंग मैंने ये काम किया दैट इज कंटिन्यूसली सिमिलरली जो फॉग है उसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ा है ना कि अफेक्ट पड़ा है ठीक है तो इट हैड एन इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑन द ट्रैफिक

होस्ट एंड फाइनली लास्ट वाला बहुत ही ईजी है कि स्क्रू जो है जो लिड है उसको बहुत टाइटली बंद करना है और कॉन्टेंट्स को शेक करना है हिलाना है बॉटल को फिर पीना है तो यहाँ पे शेक आएगा ना कि शेप आएगा क्लियर सो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज बहुत डिफरेंट वर्ड्स आपको मिल गए जो कि सेम सुनने में लगते हैं या फिर सेम सॉर्ट ऑफ स्पेलिंग होती है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और कैसे उनका मीनिंग डिफरेंट है क्लियर ऑल राइट